ओ को भूल जाइए, ओ तो बीच में बस सिर्फ कनेक्टिव है, ठीक है। आगे आप एक और वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका नाम है मैट्री, राइट है भाई, ठीक है। इसमें जो ओ एक कनेक्टिविटी त्रिकोणों में ओ गायब कर दिया, देखा ना मैंने, ट्री का मतलब थ्री, ठीक है ना भाई। गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। उम्मीद है तो सभी को पता है ना भाई, गुड। मेजरमेंट, तीन साइड को जो मेजरमेंट जोड़ करके दिखा सके हर तरीके से, ठीक है, तीन साइड से घिरी हुई चीज का मेजरमेंट दिखा सके, वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब तीन साइड से घिरी हुई चीज क्या हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीन साइड से घिरी हुई चीज क्या है, ट्राइंगल, ऑब्वियसली, है ना भाई। तो हम लोग जितनी भी बात करेंगे वो सब किसके बारे में करेंगे, ट्राइंगल के बारे में करेंगे, और ट्राइंगल से रिलेटेड जो जो भी पढ़ेंगे वो सब ट्रिग्नोमेट्री है, राइट है। तो नॉर्मली हम लोग जो जो भी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज तो स्पॉट होती है कौन, ट्राइंगल, ठीक है। अगर ट्राइंगल ही सबसे पहले स्पॉट हो रहा है तो आपको पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ट्राइंगल के अंदर सबसे पहली गड़बड़ बच्चा करता है उसका नामकरण में। नामकरण हमेशा है ना एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है, ए यहां, बी यहां, सी यहां, नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करें, ठीक है। दूसरी बात ये भी अभी से याद कर लें क्योंकि आने वाले एक महीने बाद में अपन यहां पर पहुंचेंगे कि ए के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी करें, ठीक है। ये दूसरी ऐसी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात, मतलब वैसे हमारे लिए नंबर टू बात, ये बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी ट्रायंगल का अस्तित्व ही तभी होता है, या यूं कह सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल ट्रायंगल है, रियल में ट्रायंगल है, तो उसकी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है ना जो सबको पता होती है, ठीक है, लेकिन आपको बताता हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पड़ती है इसका थर्ड पॉइंट, वो ये कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ठीक है। मैं दोबारा मेरी बात को बोलता हूं, मैंने ये जो लगाया इसे मॉड कहते हैं, बोला था, लेकिन मैंने एक और वर्ड यूज किया था, मैंने कहा मॉड लेने का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना, है ना। तो दो साइड्स का डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा, ये एक नई चीज और आपके सामने आई, ठीक है। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे, इसका इसकी सत्यता प्रमाणित करो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो, है ना। ऐसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं मॉड ए माइनस सी, तो मैंने आपको बताया था मॉड ए माइनस सी दो ही बातें करेगा, या तो वो निकालेगा ए माइनस सी, या वो निकालेगा माइनस ए माइनस सी, सिखाया था ना अभी अभी, यही तो सीखने के लिए मॉड पढ़ा हमने, ठीक है। तो हमारे को पता है कि या तो ए माइनस सी इज लेस देन बी होगा, या माइनस ए माइनस सी इज लेस देन बी होगा। तो उम्मीद है जिस दिन मैं इसको इधर उचका दूंगा तो ए इज लेस देन बी प्लस सी हो जाएगा, क्या ये वाली बात सत्य है या नहीं है, क्यों सत्य है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया, दिख रहा है ना। अच्छा वैसे ही अगर मैं देखा जाए तो इसको माइनस ए बोलूंगा, ये प्लस का सी होगा, माइनस ए को उधर लेके जाता हूं, तो सी इज लेस देन ए प्लस बी, क्या ख्याल है, ये भी अपने आप में सही है, क्योंकि ये सही है, ये सही है, इसलिए ये भी सही है ना। तो एक दूसरी ऐसी चीज है जिस पर आपका नजर पड़ना चाहिए, है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं कहती। अच्छा अब तीसरी बात के बाद चौथी बात, ये भी सभी को पता है कि अभी एंगल की अगर हम लोग बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ध्यान है ना भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा पांचवी बात जो आपको सबको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर एंगल बी, ठीक है, अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, देखो ना उस इस ट्रायंगल को देखते भी पता चलता है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, एंगल बी बड़ा है, ठीक है। अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कि एंगल बी के सामने वाली साइड बी बी, ठीक है ना, एंगल सी के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। बात यहां तक भी पकड़ में आती है, बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, कुछ नहीं ऐसा कुछ लंबी छोटी बातें करी। अच्छा छठी पॉइंट पे आ जाता हूं, छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है कि अगर भाई हम लोग कहानी को उठा करके नॉर्मल ट्रायंगल से उठा करके ले चले किसमें, राइट ट्रायंगल में, कहां पे, राइट ट्रायंगल में, तो राइट ट्रायंगल की फोटो आ गई आंखों में, हाँ या ना, राइट ट्रायंगल की अगर फोटो अगर आंखों में आ गई तो नाम भी रख लेते हैं ए बी और सी, है ना भाई। पहले बताओ राइट ट्रायंगल कहां पे, बी पर, ये तो कोई डाउट नहीं। तो राइट एंगल के सामने अगर मैं किसी भी जगह थीटा लिखता हूं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, राइट है, बच्चा बच्चा जानता है ना, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद है ना ऐसे, या उल्टा, उल्टा बिल्कुल है ना, हाँ मेरे को सुनना था आपसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है भाई, हाँ भाई
अब आप में सभी को पता होगा ये वाली साइड क्या है, साइन, ये वाली साइड क्या है, और ये वाली साइड क्या है, टेन, राइट है भाई। तो अगर देखा जाए तो सबको पता चलता है यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ठीक है। और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, पी बाय बी, है ना भाई। ये जो भी आपने पढ़ा था ना, ये इनिशियल स्टेज कंसेप्ट थे, इनिशियल स्टेज कंसेप्ट थे। कहने का मतलब ये कि अब तक आपको बस सिर्फ आपका काम निकालना था, हमारे को काम निकालना था, बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी हमारी, अड़ी नहीं थी, ठीक है ना, बस काम निकालना था। क्योंकि उस समय पे हम आपसे इतनी तर्कपूर्ण बातें नहीं कर सकते थे, हमने आपका काम निकाल दिया है ना, तब ये याद कराया। लेकिन हम अब इलेवंथ में ये भी जानेंगे कि बेसिक सच्चाई कहाँ है, सच्चाई इनमें नहीं है, ये सिर्फ सच्चाई का एक फॉर्म है, असलियत कहाँ है वो और चलेंगे। जैसे मैं आपको पहले एक हिंट कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा एक हिंट देता हूँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, पक्का है ना। अच्छा साइन 90 की वैल्यू अगर 1 होती है तो जिस दिन ये साइन 91 हो जाएगा उस दिन पी बराबर एच हो जाएगा, और पी बराबर एच होते हैं आपका कंसेप्ट उड़ जाएगा कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। नहीं है समझ में, नहीं वो कहानी कौन सी वाली कहानी है, ट्रायंगल ये वाली, कहानी पकड़ में आई, मतलब ट्रायंगल उड़ेगा या तो, है ना, ट्रायंगल उड़ गया ना कुल मिलाकर के, तो या तो ट्रायंगल ही उड़ा बैठे आप, तो पी बाई एच मतलब यहीं से पता चल जाता है कि कंसेप्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी मुझे पूरा फैक्चुअल नहीं पता था, फैक्चुअल नहीं पता है। फैक्चुअल के लिए थोड़ा फाइट है, वही फाइट जो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में लड़ रहे होंगे कहीं, ठीक है, लेकिन ये बुरा नहीं है उतना, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। अच्छा ये भी अगर ध्यान है तो ये भी ध्यान होगा, सेक कोसेक और टेन थीटा कितना होता है, राइट है, कॉट थीटा कितना होता है, तो ये सब इसके उल्टे होते हैं, ये सबको पता है ना। अच्छा अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात ये है कि पॉइंट नंबर अपना जब छठा आ गया, सेवंथ पे भी आ जाते हैं। एक और चीज भी आप लोगों ने कहीं ना पढ़ी होगी, पाइथागोरस, पढ़ा क्या आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अपने कौन से ट्रायंगल पे लगती है, बिल्कुल ऑन राइट ट्रायंगल, ऑन राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगती है तो आपको ये भी पता होगा कि पाइथागोरस का मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है, होता है ना भाई। तो उम्मीद है आप में से किसी को ये भी ध्यान होगा कि अगर ये वाली बात सही है तो किसी दिन अगर किसी आदमी के सनक चढ़ गई कि नहीं था, मैं तो एच स्क्वायर को उधर रखूंगा ही नहीं, एच स्क्वायर तो इधर आ जा, हाँ या ना, तो ये वन हो जाएगा। और अगर ये वन हो जाएगा तो आपको पता है पी बाई एच साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा बी बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक, यहां तक भी आ गया है ना। और आपने से किसी को ध्यान हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन क्या है, आइडेंटिटी। यहां से एक नया वर्ड और चालू होता है, नाम है उसका आइडेंटिटी। तो याद रखना है अपने को कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके ऊपर बात कर लेंगे, और वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या क्या है उनके ऊपर दिमाग लगाते हैं। आइडेंटिटीज रेडी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करता हूं, सभी को ध्यान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है भाई, इक्वल टू कितना, वन होता है। अच्छा ये तो इतनी पहली बात, दूसरी चीज जो और ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाती है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, है ना भाई। अच्छा तीसरी चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो वन, राइट है। लेकिन मैं आपको ये भी चीज यहीं पे यहीं बता देता हूं कि जो हमने उधर की तरफ आइडेंटिटी लिखी, ठीक है, इन आइडेंटिटीज में कुछ आइडेंटिटीज अपनी सब आइडेंटिटीज के कारण ज्यादा पॉपुलर है। जैसे ये तो बहुत ही ज्यादा काम किए, कैसे बहुत ज्यादा काम किए, क्योंकि लोग इसके लिए ये कहते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन से भी ज्यादा काम में आता है, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। या दूसरी एक और चीज भी काम में आती है, उम्मीद है पता होगा सबको, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन देखते ही सभी लोग tan स्क्वायर थीटा बोलने पड़ते हैं, है ना भाई। ये इसकी पहली काम की चीज, ये इसकी दूसरी काम की चीज, तीसरी काम की चीज। उम्मीद है आपने से कई लोग इस बात के लिए भी राजी हो जाएंगे, मैं मना ही लूंगा था आपको कि tan sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, याद आ गया आपको, माने ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट है ना भाई। तो आपने से कोई इसको लेकर के परेशान नहीं होगा, ये वो सारी वो चीजें जो आपके लिए एक बार रिकैप है फटाफट वाला, जो आपको 11th में एंट्री के टाइम पे कर लेना चाहिए, है ना, कॉपी कर लें।
जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें थीटा की एंट्री करा दी है और उसके बिहार पे हम लोगों ने अभी तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो तीन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना, जो हम लोगों ने अब तक टेंथ से पहले पढ़ चुके हैं ना भाई। अच्छा, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक में होते हुए निकलते हैं, जो इसका पूरा बेसिक है वो क्या है वो पकड़ लेते हैं। बेसिक क्या है साहब, हम लोगों ने सबसे पहली चीज जो पकड़नी चाहिए वो है एंगल, ताकि हमारे को हर चीज पता हो जाए। बस एक फटाफटा रीकैप ले लेते हैं, ठीक है। एंगल की अगर अपन बात करें तो लिख लेते हैं, है ना, एंगल क्या चीज है लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल्स, फॉर पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। अरे ये सबको पता ही है ना, किसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है साहब, एक जैसे एक रे है, ठीक है, ये दूसरी रे है, अगर दोनों जिस जगह पे ओरिजिनेट हुए वहां से अगर ये वाली रे को अगर मैं इतना रोटेट कर दूं तो ये वो यहां पे पहुंच जाएगी ना, तो दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी इंडिकेटेड बाय एंगल, ठीक है, एंगल, ये एंगल से रिप्रेजेंट होगा और एंगल से रिप्रेजेंट होगा तो एंगल इज ऑल्सो इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ये थीटा से रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो हम लोग बोलेंगे थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। अरे तो इतनी सिंपल सी बात तो समझ में आती है ना, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव है, और यही अगर बाय द वे यही रे अगर बाय द वे मैं नीचे की तरफ ले आता तो मैं कहता एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव हो गया, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, फटाफट ये भी कॉपी हो जाए, सिंपल है, ठीक है। अगला टाइटल है एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, है ना, करूं चर्चा, है ना। अगर मान लीजिए मेरे को, मैंने इसको रोटेट किया कुछ एंगल थीटा पे, ठीक है, थोड़ा यूं घुमाया थीटा, अगर मैंने इसको उठा कर यहां तक पहुंचाया तो थीटा, अगर मैंने इसको उठा करके यूं घुमा करके और वापस यहीं पहुंचा दिया तो मैं क्या बोलता, मैं ये बोलता कि मैंने इस पूरी कहानी को एक बार जब यहां से स्टार्ट किया तो पूरा घुमाया तो यहां तक 360 प्लस वापिस यहां पर रुका तो 360 प्लस थीटा हो गया, इतना सिंपल है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं इसको अगर बाई इंडिकेट करूंगा तो यू इंडिकेट नहीं करूंगा, फिर तो ये और ये एक ही जैसे दिखेंगे, तो आई विल शो कि मैंने इसको पूरा एक बार रोटेट कर रखा है और फिर यहां पे रोका है, ताकि इट शुड बी वेरी क्लियर कि पूरा एक अमाउंट जो है 360 पूरा घूम चुका है, ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, ये तो बहुत सिंपल बात है। अच्छा, बात नंबर दो भी सुन लीजिएगा कि थीटा इसे मुंह फाड़ के नहीं निकाला जाता, थीटा है ना, थीटा भी ये भी क्लियर कर देता हूं, थीटा के लिए दोनों रेज जो है ना बाहर की तरफ जाती हुई होनी चाहिए, अगर ये दोनों रेज बाहर की तरफ जाती हुई नहीं है तो वी विल नॉट कॉल दैट थिंग एंगल, वो एंगल नहीं कहलाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत छोटी सी चीज चल होगी उसका नाम होगा वेक्टर, ठीक है, अगर ये वेक्टर है ना तो मैं इस वाले इसको इसको और इसको इनमें से कुछ भी एंगल नहीं है, कोई एंगल नहीं है, नथिंग, ये कोई एंगल नहीं है, ये कोई एंगल नहीं है, ये कोई एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कोई गौर से देखे तो ये और ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इस जगह से खड़े होकर देखो ना, ये तीर तो बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन ये तीर उसकी तरफ आ रहा है, नहीं आई बात समझ में, समझ में आया। वैसे इस जगह से खड़े होकर देखो ना, ये वाला तीर बाहर की तरफ जा रहा है लेकिन ये तीर उसकी तरफ आ रहा है, तो फिर एंगल कहां है, मतलब ये एंगल ही नहीं है, ट्रायंगल होकर के भी एंगल नहीं है, है ना एंगल, अब की बार कैसे होगा। अब आप ये करो कि इसको बाहर बैठो, इसको बाहर ही जाने दो, अगर बाहर जाएगा तो ये देखो ना, इस पॉइंट से सोचो ये भी बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जा रहा है, दिस एंगल विल बी एंगल, अगर ये इसका नाम ए बी सी रखता हूं ना तो दिस इज एंगल सी, ये एंगल सी होगा, कहानी पकड़ में आ गई। ऐसे ही आपको इधर भी बाहर और उधर भी बाहर फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे इसको अगर कैसे बाहर फेंकेगा कोई भी, इसको कैसे कोई बाहर फेंकेगा, तो इसको आगे बढ़ा दे भाई, बाहर जाते ही ये वाला तीर सीधा निकल जाएगा और इस पॉइंट से खड़े होकर देखो, अब ये वाला एंगल ए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ,
है ना, ऐसे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मैं एंगल भी जानता हूँ, जानता हूँ 30,000 घुमाने पे इतना बन जाता है, राइट है। अगर मान लीजिए जैसे किसी ने मेरे को 512, अभी इस पे नहीं आता क्योंकि मेरे लिए अभी एक और चीज बतानी बाकी है, आ जाइए अगले तीसरे पॉइंट पे नजर डालते हैं, ठीक है। अच्छा अगला टाइटल है खटाखट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी क्या होगा, एंगल का सम 360, हाँ मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हाँ भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रेडी करो मत, हाँ भाई ऐसा है कि एंगल को नापूंगा किसमें, ठीक है, तो बोलते हैं डिग्री, है ना, तो याद है ना, इसमें याद रखना, इसमें कुल मिलाकर के हम लोग तीन सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है ना, वो अलग है कि उनके नाम जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम और ये सब है, लेकिन अपन उतने घेरे घेरे वर्ड्स पे ही नहीं जा रहे, पहले बेसिक वर्ड्स पे जा रहा हूं, ठीक है। पहले आपको बताता हूँ डिग्री सिस्टम, है ना, वो नोट्स में लिखवा, नोट में लिखा दूंगा डिग्री सिस्टम, आइए लिखिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। इन दिस सिस्टम, डिग्री सिस्टम, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ये इकलौती ऐसी चीज है जिसमें हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में निकालते हैं ना भाई, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री डिग्री कहना काफी नहीं है, डिग्री से भी छोटा मिनट होता है, मिनट से भी छोटा सेकंड होता है, राइट, है ना, वेरी सिंपल सी बात है ना भाई, ध्यान से समझना। अगर मैं दो राइट एंगल की बात करता हूँ, टू राइट एंगल, तो कितने लोगों को पता है टू राइट एंगल में कितने डिग्री हुए, 180 डिग्री, वेरी सिंपल, अरे दो राइट एंगल माने 180 डिग्री, एक राइट एंगल माने 90, तो दो राइट एंगल माने 180 डिग्री, ये बात सबको पता है ना, टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा अगर टू राइट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, मिनट को ऐसे सर पे एक टक मार के बता देता है, राइट है भाई, एक डैश, तो ये 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 60 सेकंड, कोई मुश्किल बात नहीं है, है ना भाई, बस ये और लिख लेते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, है ना, एक क्वेश्चन कर देते हैं, कैलकुलेट हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक खटाखट वाला क्वेश्चन, राइट 3.25 डिग्री इन डीएमएस, समझ गए आप, हाँ भाई, किसी ने कहा 3.25 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में दिखाएं आप, तब भी से कितने लोग इस बात पर राजी हैं कि इतनी डिग्री तो पूरी पूरी है सर, इससे तो अलग कर लो पहले आप, तीन डिग्री तो पूरी है ना, तीन डिग्री, रही बात अपने पास में 0.25 डिग्री है, अब 0.25 डिग्री अच्छी नहीं लग रही, इसको पूरा करता हूं, तो अपने को बताया कि एक डिग्री का मतलब होता है, एक डिग्री का मतलब 60 मिनट, तो 0.25 डिग्री का मतलब हो गया डैश 0.25 इंटू 60 मिनट, कर दूं, नहीं है, तो अपने पास में अगर देखा जाए 3 डिग्री तो पूरी डैश, जिस दिन मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो याद है ये 1/4 लिखा है, 0.25 माने 1/4 लिखा होता है, पता है ना, 1/4 का 4 से कटेगा तो कितना रहेगा 15, तो ये हो गया 15 मिनट, तो 3 डिग्री 15 मिनट, सेकंड में कुछ आए तो 0.0 सेकंड आया, कहानी पकड़ में इजी, ज्यादा इसमें इसकी ज्यादा टफ साइड पे नहीं जाना, है ना, ना अपने को कोई इसमें पीएचडी करनी है, बस ये भी मैं करवा रहा हूं इसलिए तभी अपने को पता लगे, हम ये भी हम देख रखा है ना, ठीक है देख रखा है, काम से लो अगला, नेक्स्ट टाइटल ले रहे हैं सेकंड, है ना, ये आउटडेटेड है, पहले ही बता देता हूं, आउटडेटेड, ठीक है, ये आजकल कोई यूज नहीं करता, ठीक है, क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम से पहले, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था तब तक दुनिया एक दूसरे को जान चुकी थी, ठीक है ना, तो इंडिया में जो वजन उठाने के लिए जो चलता था वो चलता था मन या शेर, ऐसी चीजें चला करती थी कि ये इतने मन का है या इतने टन का है, ठीक है, मन और फिर शेर चला करते थे, एक शेर का मतलब लगभग 1.25 किलो हुआ करता था, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करते थे उसी के अंदर सारी के सारी मेजरमेंट किया करते थे, वैसे हो सकते हैं कि किसी और दुनिया के अंदर कोई और मेजरमेंट का नाम चलता हो कि भाई ये इतना इतना है ना, तो क्या किया गया, क्योंकि सारी की सारी कॉलोनीज जो थी, सारी के सारा वर्ल्ड जो था वो एक तरह से, है ना, अंग्रेजों की कॉलोनी थी,
है ना। तो अंग्रेजों ने जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी सब जगह के वेंग के लेंथ के मेजरमेंट्स को उठाया और उन्हें यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करी कि भाई इनको एक कर देते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में कुछ सालों तक मुश्किल आएगी लेकिन 30-35 साल के बाद में दे विल बी हैबिचुअल विद आवर सिस्टम। तो उन्होंने एक सिंगल सिस्टम बनाने की कोशिश करी जिसके नाम पे उन्होंने क्या किया, हर चीज को 100 में बदलने की कोशिश करी, हर चीज को 100 में बदला। याद है जैसे 1 किलोमीटर माने 10-10 में बदलना कोशिश करी, जैसे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बनाया, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बनाया, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर बनाया ना। तो हर चीज को 0-0-0 में कोशिश करी। तो उन दिनों कई चलन भी कोशिश करी गई कि यार ये 90 डिग्री क्या है यार, इसे भी 100 में बदलो ना, 90 में काट कहां रख रखा आप लोगों ने। तो कोशिश करेगी 100 में, तो क्या किया ग्रेड करेंगे जानबूझ करके, जो राइट एंगल है ना उसके ग्रेड करेंगे, टुकड़े करेंगे 100 टुकड़े और हर टुकड़े का नाम ग्रेड पड़ गया। उन दिनों ये ग्रेड सिस्टम कुछ दिनों के लिए आया था लेकिन लेटर ऑन इसकी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होने लग गई थी ना कि जो चीजें बहुत आसान हुआ करती थी, सबसे बड़ा रोड़ा ही किसने अटकाया, पाई ने लफड़ा ग्रेड कर दिया। ठीक है, उसने कहा इतना आसान नहीं है तो इसलिए धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया, अदरवाइज ये अच्छा काम था, है ना। क्या था, इन लोगों ने क्या किया था वो बता देता हूं। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा नहीं लिखवा रहा, इसमें कोई ग्रेड मिनट सेकंड नहीं होते, इट इज एक्चुअली ग्रेड ओनली। ठीक है, कोई ग्रेड मिनट सेकंड नहीं होते, ग्रेड ही ग्रेड होते हैं। ये कहता है कि टू राइट एंगल जो है, दो राइट एंगल माने जैसे आप क्या कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है, टू राइट एंगल इज इक्वल टू में 200 ग्रेड, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। टू राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड, इसका मतलब वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, माने 90 को किसने बदल डाला, 100, बट दैट्स इट। ये ग्रेडिंग के अंदर बदलने की कोशिश करी थी, बस आप ये लिख लें और आगे चलते हैं क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, हालांकि इसके बाद में भी कोशिशें करी गई, आप चाहें तो मैं उस बारे में बता देता हूं। ठीक है, कि जैसे ग्रेड को भी उन्होंने मिनट और सेकंड में बदलने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने आगे भी कोशिश करी कि अगर एक ग्रेड आ जाए तो उसे हम लोग 100 मिनट कह दें, 1 मिनट आ जाए ठीक है तो उसे हम लोग 100 सेकंड कह दें, ये भी आगे आने वाले लेटर ऑन डेज में कोशिश करेगी। तो उससे एक ग्रेड मिनट सेकंड भी बनाने की कोशिश करेगी लेकिन ये फ्लॉप रहा ये आइडिया। ठीक है, एक आइडिया दे दूं, एक क्वेश्चन करके एक आइडिया ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, किसी ने कहा कि एक्सप्रेस कितना दे रखा है, 12.3456 ग्रेड इन जीएमएस। जल्दी आ जाओ इस पर, इसको जीएमएस में बताया हम। हाँ भाई कितना बताया ना, अभी आगे कोशिश करेगी। खत्म, बात खत्म होगी, 12 ग्रेड ये तो पूरा है। ठीक है, फिर कितना 34 मिनट, फिर कितना 56 सेकंड। अरे ये तो दुनिया का सबसे आसान काम था, हर चीज को और 100-100 में तोड़ते जाना। नहीं अभी भी हवा नहीं लगी, कितना सिंपल है उल्टा, ये तो सबसे आसान काम था, ये तो खुद ही ग्रेड में दे रखा है और वो भी तो डिग्री में था। आया, हाँ चलिए। अच्छा ये तो हुआ जीएमएस, ये मैंने बोला जरूर था कि ग्रेड मिनट सेकंड वाज अ फ्लॉप आइडिया। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन कर लिया गया, किसी ने आइडिया यूज किया। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला टाइटल लेते हैं, थर्ड टाइटल एंड दैट इज रेडियन सिस्टम। अदो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, लिखिएगा इन दिस सिस्टम, ये है काम की चीज। अब भाई मुद्दे की बात, इन दिस सिस्टम वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल, वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल, रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल। ठीक है, हाँ भाई अब इसके बाद में लिखेगा 1 रेडियन, 1 रेडियन एंगल कैलकुलेटेड बाय, लिखिएगा एंगल कैलकुलेटेड की जगह लिखना एंगल प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ रेडियस आर
ऑफ लेंथ आर, सॉरी ऑफ लेंथ आर, ऑफ लेंथ आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर. एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर ऑन सर्कल ऑफ रेडियस आर. मैंने अगर हिंदी में पढ़ू तो आर रेडियस के सर्कल पर आर लंबाई के आर्क ने जितना एंगल प्रोड्यूस करा उसका नाम 180 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, ये अगर जैसे एक सर्कल है ये आर रेडियस का है. मैंने कहा हाँ ये आर रेडियस का सर्कल है. आर रेडियस का सर्कल है माने यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? आर है. तो इस जगह से खड़े हो जाओ और जितनी ये लंबाई है ना उतना आप एक आर्क प्रोड्यूस कर दो कि ये यहां से लेकर यहां तक का कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? आर है. तो जितना जहां खत्म हो गया ना वहां से लाइन बनाने पर जो एंगल प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 1 रेडियन. और 1 रेडियन को ऐसा ऐसा सी बना के लिखते हैं, ठीक है? दिस इज 1 रेडियन. यहां तक कोई कैलकुलेशन में कोई तकलीफ तो नहीं? याद रखना भाई, है ना? कब? अच्छा, इसका मतलब तो सर आप ये कहना चाहते हो आर रेडियस का सर्कल था तो आर लंबाई का आर्क ने जो एंगल बनाया वो 1 रेडियन था. लेकिन अगर बाय द वे मैं अगर सर सपोज करो मेरा 5 लेंथ का 5 उसका क्या कहते हैं लंबाई का रेडियस होता, सर्कल का रेडियस कितना होता? 5 होता. तो अगर बाय द वे मैं 5 लंबाई का बनाता, ये अगर मैं 5 लंबाई का आर्क बनाता तो जो एंगल बनता वो भी 1 रेडियन होता. बिल्कुल एग्जैक्टली 1 रेडियन होता. तो 4 लंबाई के लिए 4 लंबाई का आर्क, 4 लंबाई के लिए 4 लंबाई का. ये आया कैसे सर? मेरे को समझ में नहीं आया कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आया किसी? मैंने कहा ये सारी बातें 6th क्लास में आपको बताई गई थी. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सोचो जिस दिन आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगे कितना मिलेगा? 1 एंड दैट विल बी 1 रेडियन. अच्छा सर, इसका मतलब ये जो एंगल मिलता है वो रेडियन में मिलता है? हाँ, ये जो एंगल मिलता है वो रेडियन में मिलता है. हम उसे थीटा में कन्वर्ट करते हैं. थीटा लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन आपको कभी नहीं बताया गया था कि इससे रेडियन आता है. लेकिन अब आपको पता चलना चाहिए कि इस फॉर्मूले से जो आपने बहुत पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री से वो जो भी मिलता है दैट इज ऑल इन रेडियन. सब कुछ रेडियन में मिलता है, ठीक है ना? तो याद रखना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से जितना भी आंसर आता है दैट ऑलवेज कम इन टू रेडियन, ठीक है? तो लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है? ऑल आंसर्स प्रोड्यूस्ड इन रेडियन, ठीक है भाई? सारे के सारे आंसर जो भी हैं वो सब किस में प्रोड्यूस हो जाते हैं? रेडियन में प्रोड्यूस हो जाते हैं, रेडियन में. हाँ भाई, अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूं. अच्छा, इसके बाद की काम की चीज है ना अब कनेक्टिविटी, ठीक है? कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम. अगला टाइटल फटाफट आ जाइए, अगला टाइटल कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम्स. सारे के सारे सिस्टम में क्या कनेक्टिविटी है साहब? ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत साधारण है. सब के बीच में कनेक्टिविटी है इस बात की कि आप पहले रेडियन के बारे में जान लें थोड़ा और फिर मैं आपसे कनेक्टिविटी के इश्यू के बारे में बात करता हूं. उम्मीद है आपने सभी को पता होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. पहले हाँ याना याद है आपको? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. याद रखना पाई इज इक्वल टू 180 नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180. इज इट क्लियर फॉर यू? हाँ यहाँ. अच्छा, उम्मीद है आपको ये भी पता होगा कि 180 डिग्री का मतलब 200 ग्रेड होता है. अरे हाँ या ना? है ना? और उम्मीद है कि 200 ग्रेड का मतलब 2 राइट एंगल होता है. अरे सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो बस यही मेजर पंच लाइन है. यही लाइन अगर आपको याद रह गई तो सबके बीच में कनेक्टिविटी करके चले जाओगे. जैसे मान लीजिए मुझे अगर सबको रेडियन में सोचना है तो आई क्रिएट इन 1 रेडियन. अगर मैं 1 रेडियन क्रिएट करना चाहता हूं तो मेरे को यहां से पाई की जगह 1 करने के लिए पाई का भाग लगाना पड़ेगा. तो पाई का इसमें डिवाइड करते 1 रेडियन रह गया तो पाई का डिवाइड ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 180/π. पाई बोलते समय पाई रेडियन अपने आप समझेंगे, है ना भाई? अच्छा, इज इक्वल टू में कितना? 200/π. अब सब चीजें किसमें निकल जाएंगी? रेडियन में. कानिया से पकड़ में आई? अच्छा, मान लो अगर मेरे को डिग्री में खेलना होता तो मैं 180 डिग्री को 1 करता, 1 डिग्री. तो जैसे 180 डिग्री करता तो 1 डिग्री 180 से 1 डिग्री बनाने के लिए 180 का भाग. तो जैसे मैं 180 का डिवाइड करता तो यहां पे पाई अपॉन 180 और यहां कितना होता था? 200/180. इज इट क्लियर? यही मेजर है सबका, खेल का खिलाड़ी यही है.
जिसको इसे खेलना था वो सबको खेला जाता है। मान लो मेरे को चीजों को वन ग्रेड में कन्वर्ट करना होता, ग्रेड में कन्वर्ट करना होता, तो मैं इधर वन ग्रेड करता, वन ग्रेड करने के लिए 200 का डिवाइड इधर हो जाता 9/10, 9/10, 9/10 डिग्री, क्या ख्याल है? नहीं है। और इधर कितना? पाई अपॉन 200, इसका कुछ कर नहीं सकते रेडियन। इज इट क्लियर? क्या मैं अपनी बात रख पा रहा हूं? हाँ या ना? तो अगर देखा जाए 1 रेडियन, उम्मीद पर वैसे इसी से काम चल जाएगा, इन दो से ही ज्यादातर काम पड़ता है, ठीक है? ये दो ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, ग्रेड का अपडेटेड होता जा रहा है इसलिए उतना जरूरत नहीं पड़ती। कन्हैया तक पढ़ मांगी है ना, आगे चलता हूँ जल्दी से। नेवर, सब आउटडेटेड। फिर भी अपन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे 40 ग्रेड इन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट 40 ग्रेड को, ठीक है, 40 ग्रेड को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री और रेडियन में। बहुत आसान नहीं, करना क्या है? किसका हिसाब लूं? लास्ट वाले का। बस अपने को पता होना चाहिए, एक ग्रेड का मतलब 9/10 डिग्री है, तो 40 ग्रेड का मतलब कितना होगा? एक ग्रेड का मतलब कितना है? 9/10 डिग्री, ठीक है, 9/10 डिग्री इज इक्वल टू में कितना? पाई अपॉन 200 रेडियन। यही तो बताया था आपको। तो सोचो अगर एक ग्रेड का मतलब इतना है तो 40 ग्रेड का मतलब क्या होगा? 40 ग्रेड के लिए 40 से गुणा करते, तो 40 से जैसे गुणा करूंगा तो 9/10 × 40 इज इक्वल टू में कितना? 5/200 × 40। नहीं आई बात पकड़ में? बात समझ में आई? तो ये तो जो भी निकलेगा किस में निकलेगा? डिग्री में। और ये सब किस में निकलेगा? रेडियन में। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? है ना। तो अगर देखा जाए तो जैसे 66 करोगे कितना बन गया? 36 डिग्री। और ये कितना बन जाएगा? 5/5 रेडियन। सही भाई? नहीं है बात पकड़ में? एज इज़ ही है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट। 40 ग्रेड है ना। किसी ने कहा, मात्र इतना सा कहा, अगर आपको ये वाली बात यहां तक समझ में आएगी, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बोला ग्रेड थोड़ा सा आउटडेटेड है इसलिए इस पर हम लोग बात करने से कोशिश करते हैं, कतराएं, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं जरूरत तो इस पर क्यों बात करें। हाँ, जिसकी ज्यादा कनेक्टिविटी हो है डिग्री एंड रेडियन उस पर ज्यादा बात कर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि कन्वर्ट कितना, कन्वर्ट दे रखे हैं डिग्री इंटू रेडियन। अरे डिग्री तो बताएंगे ना मैंने, एक मिनट, डिग्री तो बोल रहे थे। हाँ भाई, जैसे किसी ने कहा मुझे, पहले एक बार जरा देख तो लो, जैसे किसी ने कहा 12 डिग्री को बदलो, तो 12 डिग्री को मतलब है, सुना डिग्री है ना, तो आप दिमाग लगाओगे किस पे? एक डिग्री पे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/180, ठीक है भाई, मैं एक बार लिख दूं इसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 5/180। तो इसका मतलब 12 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 5/180 × 12, क्या ख्याल है? है ना भाई? और आपको पता नहीं कटता है पूरा 15 बार, आंसर हो गया 5/15। नहीं है बात पकड़ में? अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं साहब 30 डिग्री को बदल के दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा? 30 × π/180, ठीक है भाई, 30 × π/6। कहानी पकड़ में आ रही है ना? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं तो आगे आपका काम है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सी है 45 डिग्री, डी है, ठीक है, 60 डिग्री, आराम से आराम से। अगला है 75 डिग्री, ठीक है, अगला है एफ 90 डिग्री, जी है ना 120 डिग्री, ठीक है, एच है, अरे आराम से आराम से भाई, ठीक है, हमको सिर्फ लिखते जाना है और हर दूसरे बच्चे के साथ में लिखते जाना है। 120 135, ठीक है, आई है 150, ठीक है, जे है 180, ठीक है, उसके बाद में K है, ठीक है, 210 डिग्री, L है 225 डिग्री, M है, ठीक है, 240 डिग्री, ठीक है, बीच में कदुका और हमसे रह गई हैं, वो कौन कौन सी है? ये इससे पहले B डैश, ठीक है, वो है 22 एंड हाफ डिग्री,
ठीक है, और उससे पहले है बी डबल डैश और वो है 18 डिग्री, उससे पहले है बी ट्रिपल डैश, ठीक है, थोड़ा और चलते हैं उधर की तरफ 10 डिग्री वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आप ट्राई कर लें फटाफट से। मुझे पता है ये जब तक आपके सर पर डंडे की तरह मैं ले रहा हूँ नहीं ना, आप इस चैप्टर को भी तबाह करने की सोच सकते हो, इसलिए मैं बिल्कुल भूत बन के मंडराऊंगा आपके सर पे, ठीक है। एक बच्चा है, हाँ भाई नीचे से चालू करूं या ऊपर से करूं? ऊपर से, हाँ साहब 10 डिग्री का मतलब इंटू पाई बाई 180 कर देता हूँ तो आंसर हो गया पाई बटा 18, क्या ख्याल है? इंटू मैं पाई बाई 180 करता हूँ तो पाई बाई 10, उम्मीद है पता होगा, ठीक है, इंटू मैं पाई बाई 180 करता हूँ तो पूरा पूरा 8 बार कटता है, तो आंसर इज पाई बाई 8, इसका पाई बाई 180 करता हूँ तो दैट बिकम्स पाई बाई 4, इसको अगर मैं पाई बाई 180, हाँ अब इसको जल्दी लिख देता हूँ पाई बाई 3, इसको लिखता हूँ पाई बाई 5 पाई बाई 12, बहुत ही शानदार 5 पाई बटा 12, ये कितनों का सही है, ये कितनों का सही, ये वाला, हाँ भाई अच्छा पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 3, ये एक सेकेंड पाई अपॉन 180 कटेगा 5 से, सॉरी 15 से, 15 से 12 बार और 15 से ये 9 बार, तो आंसर इज 3 पाई बाई 4, बिल्कुल लिख लें 3 पाई बाई 4, गुड है। अच्छा इसको 5 पाई बाई 6, क्या ख्याल है, इसका पाई, इसका 7 पाई बाई 6, श्योर है? अच्छा ये 5 पाई बाई 4, 4 पाई बाई, उम्मीद है आप में से कई बच्चे यहां लटक गए। क्या मैं तो बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ वैसे, इससे ज्यादा धीरे क्या चलेगा यार, हाँ भाई फिर भी आप में से है ना, हाँ इसके बाद की बात करें, पाई बाई 7 कन्वर्ट इन डिग्री, हाँ भाई डिग्री के अंदर बदलना है, पहला काम पाई बाई 7, दूसरा ठीक है पाई बाई 11, ठीक है भाई बहुत धीरे धीरे, दूसरा पाई बाई 9, अरे 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 आराम से भाई आराम से, ऐसी क्या जल्दी पड़ रही तेरे को, ठीक है ई पाई बाई 36 ही कर देते हैं, हाँ भाई एक सेकंड, कितने लोगों को पता है कि अगर देखा जाए तो अब हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई, तो इनटू में कर दिया 180 अपॉन पाई, एक तरह से बात समझ में आई आपको, तो पाई पाई कट गया तो अगर देखा जाए 180 बाई 7, जितना नियर अबाउट निकल जाए नहीं निकले ऐसा कैसा छोड़ दो, तो 180 बाई 7 डिग्री, कहानी पकड़ भाई, इसको भी करना है तो 180 बाई 7 पाई कर लोगे, करना है ये तो सब, ये आइडिया होना चाहिए आने वाले टाइम के आपके क्वेश्चन है ये, हाँ ये आने वाले टाइम के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपका मुंह फूल जाए उस समय यार पाई बाई 11 तो जानते ही हम लोग, तो ये सब आपको करके लाना है, ये सब में तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कोई बहुत ही खतरनाक वाली बात आने वाली है ना, उम्मीद है सब कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद में काम की बातें और कर दूं, क्या आपको ये चीज का आइडिया कि एक और आपको ये भी याद रखना, घर से आप ये भी ट्राई करके आ जाना आज के आज ही, मेक टेबल ठीक है अप टू 180 डिग्री, 180 डिग्री की टेबल बना लेना, याद करके बना लेना भैया, मेरे को ये चीज आपकी कॉपी में चाहिए कल के दिन, 0 30 45 है ना 60, ये तो उम्मीद है अभी भी याद होगी, 90 फिर अगला 120 वेरी गुड, 135 फिर 150 वेरी गुड, 150 फिर अगला 180 हिसाब ठीक है, हाँ भाई ठीक है 37, अरे वो सब एक्चुअल एंगल नहीं है जो आपको सिखा जाते हैं, वो सिर्फ रटने वाले हैं काम, चलो वो 3/5 4/5 ऐसे बच्चों वाले एंगल है ना, ये सब रॉन्ग है, ये सब नियर अबाउट है, याद रहना अप्रोक्सीमेट आंसर है ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेट आंसर पे एक और बात भी याद आ गई कि ये छोटी सी बात भी आप याद रख लेना है, ये तो आपको घर से करके लाना है जो करके लाना है ना, उम्मीद आप सबका लिख के लाएंगे ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट एंगल तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जो मेरे को बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं किसी भी टाइम पूछ लूं सेक 45 कितना है तो मुंह से निकलना चाहिए रूट टू ठीक है, अगर मैं पूछूं
टेन थीटा जीरो कब होता है, तो उम्मीद है वो पता होना चाहिए जीरो का होता है। उल्टा भी पूछा जा सकता है ना, ये ऐसा नहीं है, पता है एक्चुअल में गलती हमेशा हमेशा पहले दिन से होती है। अगर आप पहले दिन से डंडा नहीं ले रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा फिर उड़ा ही देगा, क्योंकि पहले दिन से गलती करना चालू करता है वो, पहले दिन से हल्का करता है खेल को। ठीक है कि ये भी नहीं, फिर उसके बाद ये भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूं, जैसे पाई रेडियन की हम लोग बात करें, ठीक है, पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन का मतलब मैंने आपको अभी भी कितना बताया, 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन की बात करता हूं, तो 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 180 अपॉन पाई हो जाएगा, तो इसको 180 डिग्री अपॉन पाई का मतलब 22/7 भी होता है। तो जैसे ही मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड करूंगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, पूरा 17 डिग्री अप्रोक्सीमेट है ना। कुछ लोग इसे 16/22 भी कहते हैं, ठीक है, तो अपने कभी डिवाइड किया नहीं इसलिए अपन दिमाग लगाते नहीं, लेकिन याद रखने लायक बात क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू में अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझा देता हूं, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह की छोटी छोटी हरकतें अभी से सीख जाओ। आप क्या छोटी छोटी हरकतें, कि अगर कोई पूछे कि विच वन इज ग्रेटर, साइन 1 और साइन 1 डिग्री, दोनों में से कौन बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली सेकंड, एक सेकंड, साइन 1 डिग्री माने अप्रोक्सीमेट साइन 0। अरे जीरो के पहले ही आदमी है ना, साइन 0 कितना होता है, 0। अच्छा, आपको पता है ये साइन 1 डिग्री का मतलब होता है साइन 57 डिग्री, क्या दू इसे 57 माने इसके अप्रोक्सीमेट में कौन किसको आप जानते हो, 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। क्या मानते हैं बात को कि ये अप्रोक्सीमेटली √3/2 होने वाला है, जबकि ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख वापिस साइन 1 डिग्री रहा हूं, और लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 0 के। कौन बड़ा है, ये या ये, अरे ऑब्वियस ही बात है 0 से तो ये बहुत बड़ा है, नहीं है, तो अगर देखा था तो दिस वन इज ग्रेटर, तो इसमें 1 अगर लिखा है ना, तो हम मान के चलते हैं कि आपको पता है कि 1 का मतलब 1 रेडियन होगा, नहीं आई बात पकड़ में, 1 का मतलब 1 रेडियन होगा, बात पकड़ में नहीं आई। इसी प्रकार से आप ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कि साइन 4 लिखा है, कितना लिखा है, साइन 4, ठीक है, चले बस सफर, साइन 4 लिखा है, तो आप सोच के आना कि 4 का मतलब कितना डिग्री हो रहा होगा, 4 × 57 तकरीबन 240 के आसपास। हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। पिछली बार हम लोगों ने आइडेंटिटी पे बात जरूर कर ली थी, राइट है, जिसमें पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट है भाई। सेकंड आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है ना भाई। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे चलने का समय आ गया, इसी के अंदर चौथी बात ये भी आप ऐड करना चालू कर दें, ये एक तरह के टेंथ के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग आइडेंटिटी की तरह इस साल से यूज करेंगे और अगले साल में फायदा उठाएंगे, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर दिख जाए तो दिस इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे, तो आइडेंटिटी तो ऊपर खत्म हो गई, लेकिन नीचे कुछ रिजल्ट हैं जिनको हम लोग प्रोमिनेंटली यूज करेंगे, राइट है भाई। उनमें से एक और रिजल्ट भी है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट है भाई। सिक्स नंबर पे बहुत ही काम का, इस साल की बहुत ही काम का एक रिजल्ट और अपन यूज करने वाले हैं, और वो रिजल्ट कौन सा है, वो है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट है भाई। सिमिलर वे में एक और रिजल्ट है जो हम लोग आने वाले टाइम में यूज करेंगे, दैट इज साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस में कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। माने आपका वो टाइम चालू हो गया जब आप याद रखना चालू करेंगे, मेमोराइज करना चालू करेंगे, और मेमोराइजेशन का कोई अंत नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में 100 फार्मूले तक याद करने का आ जाए, तो आपको 100 के 100 क्रैम्ड होने चाहिए, क्रैम्ड, सुना आवाज है ना, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इनमें से जैसे किसी को भी एक एक करके मैं उठाता जाता हूं, बताता जाता हूं, जैसे मान लो मेरे को फोर्थ नंबर पे काम करना है, किसी के दिमाग में संशय आ गया कि नहीं साहब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैसे होगा, तो मैंने LHS उठाया फोर्थ का, ठीक है,
हर किसी का एक ही इलाज है, जो टेंथ में सिखाया जाता था। टेंथ में क्या सिखाया जाता था कि अगर आपके क्वेश्चंस में कभी भी कोई भी, अगर आपको कोई भी चीज प्रूव करनी है तो कोशिश करें कि वो है ना उनके मिनिमम एंगल में बदल जाए, सबसे सिंपलर टिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदल जाए। सिंपलर टिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा को किस में बदल देना, साइन अपॉन कॉस में, है ना। तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां तक हो सके सिंपलर रेशियो में बदलते हैं, आधे से अधिक क्वेश्चन वैसे भी डन हो जाते हैं, है ना। कैसे कैसे और क्या क्या बताता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, पूरी कहानी में से कॉमन क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बचा कि नहीं बचा। सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां एलसीएम पक्का है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ख्याल है आपका, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को पढ़ा रहने दो, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ। तो कहना मतलब ये आ गया आरएचएस। उम्मीद है अपने से कोई इस बात को लेकर एतराज नहीं करेगा, साइन कॉस टाइम पूरा पूरा लिखो, है ना, आराम से इतनी बात समझ में आती है। अच्छा रही बात, अब पांचवा आप अपने आप कर लें, छठे की बात करता हूं। छठा है क्या दे रखा है साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस में दे रखा है कॉस टू द पावर फोर थीटा, दैट इज एलएचएस। अगर ये एलएचएस है तो आप में से हर एक जने को ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि अगर ये एलएचएस है तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट है। इसे मैं जानबूझ करके टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घर से देता हूं, ठीक है, और वही वापस ले लेता हूं, ले लू टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है, समझदार पुरुष जानते हैं कि ये यहां से यहां तक किसी का होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम्स वन, तो ओवरऑल इट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज माई, है ना। इन द सेम वे यू कैन प्रूव पॉइंट नंबर सेवन, राइट भाई, सातवें को भी आप प्रूव कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उम्मीद हो जाएगा, है ना। फटाफट यहां तक कॉपी कर लें, आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये यहां से यहां तक आइडेंटिटीज हैं, ये सब क्या है आइडेंटिटीज, यहीं तक ही है, और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने, रिजल्ट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, है ना। अब आपका काम यहीं से चालू हो गया, ठीक है, सेवन और फाइव को आप घर से कर लाना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं जल्दी जल्दी। अच्छी बात यह है कि पूरी कहानी के अंदर बोलने के बहुत सारी जगह मिलती हैं। बच्चे से गलती ये होती है कि साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर देखता वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर सिक्स कॉस की पावर सिक्स को देखता वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अपने मन से बना लेता है साइन की पावर एट प्लस कॉस की पावर एट, वो ना बनाए, ये सिर्फ दो तक ही है, दो तक ही रहने दें, ये साइन की पावर एट और कॉस की पावर एट पे नहीं बनता, है ना। अगर बनता होता तो आपको बता भी दिया जाता। मैंने क्वेश्चन लिख दिया sec to the power 4x प्लस सॉरी माइनस में cosec to the power 4x प्लस सॉरी माइनस 2 sin sec square x प्लस 2 cosec square x is equal to 15 by 4, then find 10x, ऐसा लोनिंग इसमें है ना अपने पास टिग्नोमेट्री, है ना। देखो ये सेक है, ये भी सेक है, दोनों सेक को एक साथ रख रहा हूं कि भाई एक साथ आ दो, सेक टू द पावर फोर एक्स माइनस में टू सेक स्क्वायर एक्स एक साथ में रखे, राइट है, ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर ये कॉसेक है और ये कॉसेक है ना, ये दोनों क्या है कॉसेक है, इनको इकट्ठा कर लिया, माइनस कॉमन, ये हो गया कॉसेक की पावर फोर एक्स, राइट है, ये कितना हो गया माइनस का टू
कॉसेक स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू में कितना 15/4। अब एक छोटा सा काम करता हूं, कोई कॉमन नहीं लेता, इसमें प्लस वन करता हूं और इसमें भी प्लस वन करता हूं। क्या किसी को एतराज है प्लस वन करने पे? क्या आपको पता है प्लस वन क्या है या वन और माइनस वन क्या? वन और माइनस वन। तो उम्मीद है आप में सभी को पता चल गया होगा कि ये क्या बन गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सोचो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना तो फटाफट सोचना पड़ेगा, है ना। ये क्या बन गया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर में कितना 15/4। दीपक बता sec स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना होता बेटा, बैठ के बता देना। हाँ नहीं, हाँ कितना होता है? बिल्कुल, और क्या, 10 की पावर कितना हो गया 4x। क्या ख्याल है, 10 स्क्वायर एक्स को होल स्क्वायर, है ना। अच्छा ये कितना होता भाई, कॉट स्क्वायर एक्स, तो कितना हो गया कॉट की पावर 4x इज इक्वल टू में कितना 15/4। बैठे, उम्मीद है आप में सभी को पता चल गया होगा कि ये 10 की पावर 4x और ये माइनस में 1/10 की पावर 4x है। क्या ख्याल है, इसमें तो कोई दर्दनाक बात नहीं है ना, लेकिन इसे क्वाड्रेटिक में बनाना बेवकूफी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। नहीं कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो 15/4 है ना। अगर ये कल को तकदीर से 16/4 होता तो बहुत अच्छा होता, अगर ये 16/4 होता तो हम चार कर देते, हाँ या ना। कितना कम है ये, एक, तो इसका मतलब 4-1/4 है। अगर अब मैं थोड़ा सा भी दिमाग चलता है तो जो यहां लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहां लिखा है माइनस में, तो फिर उधर भी देखो जो यहां लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिखा है माइनस में। इसका मतलब मैं यहां पे कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अरे सोचो ना, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 10 की बार 4x बराबर 4, तो 1/10 की बार 4x बराबर 1/4 नहीं है? तो यहां से डायरेक्ट ही निकल गया ना मेरे पास में, 10 की बार 4x बराबर कितना निकल गया 4, और अगर निकल गया तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर कितना निकला बोलो, कितना 2। प्लस माइनस 2 क्यों नहीं, प्लस माइनस 2 क्यों नहीं, क्योंकि माइनस स्क्वायर को सामने बैठाता ही नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन माइनस को भगा देगा। क्यों भगा देगा, क्योंकि खुद कैसा है पॉजिटिव। अच्छा तो फिर आप में से कितने लोगों को लगता है कि 10x बराबर कितना आया, आएगा नहीं पकड़ में, तो दिस इज प्लस माइनस रूट 2, है ना। अगला क्वेश्चन दूंगा, फटाफट ये कॉपी कर लें। बहुत ध्यान से समझ लेना भाई, ये टेंथ नहीं है, ये बहुत ऊपर के लेवल पर जाएंगी चीजें, इसलिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे आपको। अगला क्वेश्चन भी इसलिए लगा दिया था कि आप में से कोई खाली ना बैठे, आगे से आगे सोचता जाए, जगह मैं देता जा रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई करो बात इस पे भी, है ना। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, मैं आपको दे देता हूं, पहले ये देख लें आप, अगर ये 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब पहले इसे तो समझ लो, बिल्कुल एकदम सीधी सी बात, क्यों, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1-sin²x हो गया। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर दे देता हूं तो 1-sin²x, इसका मतलब सीधी सी बात है कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर साइन एक्स अपने आप में कॉस स्क्वायर एक्स है तो 100% बात है कि हर कॉस स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ साइन एक्स। तो सोचो कॉस की पावर 8x की जगह कितना लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x। आप में से फिर कितने का दिमाग चल गया कि 2 तो ठीक है, cos की पावर 6x की जगह कितना लिख सकता हूं sin की पावर 3x, हाँ या ना। अच्छा बताओ इसकी जगह कितना लिखता हूं sin की पावर 2x, लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं। अगर ऐसे उलझोगे तो कॉमन वॉमन लेते रहोगे, लेकिन कॉमन नहीं लो, थोड़ा दिमाग का अगर थोड़ा सा भी उपयोग किया तो ये अपने आप में किसी का होल स्क्वायर लिखा है sin स्क्वायर x प्लस sin x का। सोचो अगर आपको होल स्क्वायर सोचना आता है तो इसका होल स्क्वायर साइन की पावर 4, इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में 2 इंटू इन दोनों की गुणा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है ना, है ना। तो सोचोगे तो ये दिख जाएगा, और अगर ये दिख गया तो ये कितना है 1, क्योंकि 1 है, क्या पे 1 है, क्योंकि दे रखा है देखो, हाँ या ना। तो आंसर कितना हो गया, तो जो
और सर इसको आपको ओपन आइडेंटिटी नहीं नहीं और बढ़ जाता मामला, इतना फैल जाता कि अपन संभाल ही नहीं पाते। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा कैसा आप ट्राई कर लें। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो अभी आपने किया, बस इस पूरी कहानी में एक इकलौती चीज है जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है, वो मैं आपको दे देता हूं कि जो पहली लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है। पहली लाइन जो लिखी है उसका मतलब है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर ये तीनों के तीनों जीपी में है तो जीपी में होने का मतलब था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब समझ लो, ऐसा कुछ खास नहीं है, याद ही रखना है कि अगर ये जीपी में तो इसका मतलब बीच वाला जो भी लिखा है ना इसका स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है साइन थीटा इंटू टेन थीटा। माने आप हर जगह जहां जहां भी साइन थीटा इंटू टेन थीटा देखो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कॉस स्क्वायर की जगह इतना लिख सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने बात आधी छोड़ी है, पूरी बात तो आप ही को निकालनी पड़ेगी। राइट है, ट्राई कर लें, बन जाए तो बहुत बेहतरीन। हाँ भाई किसी का थोड़ा दिमाग चला इसमें, एक छोटी सी बात रखता हूं, कितने लोगों ने थोड़ा और दिमाग ये लगाया कि ये साइन थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दे रखा है और सामने क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनडायरेक्ट वे में अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा। माने हर कॉस की पावर तीन थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर तीन थीटा जहां भी देखो वहां कितना लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सोचो कॉस की पावर नौ थीटा के अंदर कितना है, अरे दिमाग लगाओ ना, हाँ जहां जहां कॉस क्यूब देखो वहां साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो जहां कॉस की पावर नौ थीटा वहां कितना लिखना है साइन की पावर सिक्स नहीं है, अरे सोचो ना ये कॉस क्यूब का कितना और है, कितनी और पावर है, अरे यार कॉस क्यूब का क्यूब है नहीं ये भी नहीं पता, अरे ये दोनों जुड़ते थोड़े ना गुणा होते हैं ना। अब इसके इतने बेसिक में थोड़ी जाएंगे, ये क्या लिखा है कॉस क्यूब का कितना लिखा है स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, ये कुछ भी नहीं लिखा थ्री कुछ भी नहीं, मेरे को नहीं पता क्या लिखा है ये कॉस की बार फाइव को आप कॉस क्यूब में कैसे तोड़ते हो, ये आपका सब्जेक्ट है, सही ना भाई। अब आप जहां जहां कॉस क्यूब थीटा देखो वहां वहां क्या घुसा सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है साइन की पावर सिक्स थीटा नहीं आया, अरे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब नहीं आया, तो बिल्कुल कीचड़ में क्यों उतर रहे हो, इतना तो आप ये करोगे पेशेंसफुली नहीं, तो ये कितना बन गया साइन की पावर कितना बोलो साइन की पावर सिक्स थीटा, अच्छा ये कितना बन गया साइन की पावर फोर थीटा, और प्लस यहां क्या है ये मेरे को भी नहीं पता, आप बताओ क्या लिखूं मैं कॉस की बार पांच को कैसे लिखूं कॉस क्यूब में, इसे जस्ट पहले वाला टाइटल नहीं समझ में आ रहा। हाँ अरे तुम कहीं और पहुंच गए, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये बात पता चलता है कि ये अब मेरी सुन लो है ना, सभी लोग एक ही जगह पहुंच रहे हो, कॉस की पावर पांच थीटा को मैं कैसे लिखूं कॉस क्यूब में, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां साइन कॉस क्यूब देख रहे हो वहां पे क्या लिखना है, अरे वो जिनको मैं सामने देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हो, मैं सामने देख रहा हूं जिनको मैं सामने देख रहा हूं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कॉस क्यूब में टूट कैसे रहा है, मैं हर चीज को कॉस क्यूब में कैसे टर्न करा रहा हूं, वो यहां है ही नहीं, वो गांव है अभी अपने, वो भी गांव में है, क्यों क्योंकि गांव में क्यों है, क्योंकि अब भाई की कल ही क्लास हुई है, 9 बजे घर पहुंचा था, ठीक है सोते सोते 1 बज गया और सुबह सुबह 7 बजे बुला लिया नहीं, तो वो भी सपने में फंस गया बेचारा। ये साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह, आपकी एरर नहीं है -1। अच्छा जो भी है अब काम की बात सुने, आप साइन की पावर सिक्स थीटा का कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते राइट है, साइन की पावर फोर थीटा का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ध्यान लगाया तो ये जो लिखा है इसे मैं
माइनस कॉमन लेकर के 1-3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और आप में से किसी को ध्यान है तो आज के दिन मैंने कोई रिजल्ट लिखवाए थे उसका ये राइट हैंड साइड है। किसका किसका राइट हैंड साइड है? ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, राइट है। तो ये लिखा हुआ है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा, और यहां कितना लिखा है? साइन की पावर 4 थीटा, और प्लस में कितना लिखा है? साइन की पावर 6 थीटा। अब कोई भी यहां का अंधा भी काटेगा, क्या बच गया? साइन की पावर 4 थीटा, पढ़ा रहे दो, माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। क्यों साइन स्क्वायर थीटा? क्यों? क्योंकि कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर है, ये कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर देखूं, माने साइन की पावर 4 थीटा देखूं, इसकी जगह ये देखा और ये दोनों, आंसर जीरो हो गया, राइट है। आंसर लाना नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपको सपने से जगाना जो थकान के कारण आपकी आंखों पर चढ़ गया है, आज आप उतने फ्रेश नहीं फील हो रहे। आप में से हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि sec x plus tan x जो होता है वो 1/ sec x minus tan x होता है। आपको कल परसों मैंने बताया था, याद है आपको? बताया था कि नहीं बताया था? ये गुपचुप थोड़ी ना करा था, मेरे को भी अच्छे से याद है, उस बोर्ड के उस कोने पे आखिरी में लिखा था कहीं, ठीक है ना। तो आपको यह भी याद होगा कि ये 1/p लिखा है, और अगर ये 1/p लिखा है तो इनडायरेक्ट वे में ये sec x plus tan x is equal to 1/p है। और आपको सरकार ने ऑलरेडी कितना दे रखा है? sec x minus tan x दे रखा है, वो कितना दे रखा है? p। तो एक काम करो, जोड़ दो, लो जोड़ते कट गया, क्या बच गया? 2 sec x बराबर में इधर से कितना रह गया? p plus 1/p, बचा कि नहीं बचा? और वो जो 2 sec x है उसका 1/2 इधर आ गया, लो आ गया sec x, खत्म। नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या sec x की वैल्यू तो निकालनी थी, दिस इज इट। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ भाई, शो दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस और कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1-2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लो, एकदम जमीन पे पड़ा हुआ क्वेश्चन है, बताएं प्रूव करके। और क्या, ये देखते हो गया? अगर आप दिमाग लगाओगे हो गया है क्वेश्चन। अभी आप, अब ये नहीं कि हो गया मैं जो बच्चा कर रहा है वो भी रह जाए कि अच्छा हो गया क्या, तो फिर मैं क्या करूं। शर्त ये कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता तो कोई मदद नहीं कर सकता इसमें आपकी। हाँ, टाइम ले रहे हैं अपन लोग। हाँ भैया, एलएचएस का क्या सीन है बताओ? क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है इसमें कोई? हाँ या ना, किसका स्क्वायर दिख रहा है? साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्या ख्याल है आपका? ये जो इधर लिखा है ना, ये जो लिखा है, यहां भी मैंने कुछ सिखाया था आपको, इसको क्या लिख दूं? 1-2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके फिर टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि मुझे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। क्या क्या टुकड़े होंगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, वो वन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स वन। उसको रिड्यूस कर दो, उसको हटा दो, तो जो है बच गया वो आपका क्या आ गया? LHS, RHS। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, sec of a प्लस tan of a
मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ बी प्लस tan ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ सी प्लस tan ऑफ सी इज इक्वलेंट टू sec ऑफ ए माइनस tan ऑफ ए, मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ बी माइनस tan ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ सी माइनस tan ऑफ सी. देन शो दैट ईच साइड is equal to plus minus 1. Okay. हाँ. लेकिन ये लोग टी नहीं मान के चल रहे ना, ये कुछ और सोच के चल रहे हैं. टी के बगैर होगा ही नहीं कभी जिंदगी में. कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि आपको दिया क्या है. आपको दिया है सके प्लस टेन है, आप कितना ही दिमाग लगा लो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप टी मान करके या एक्स मान करके कुछ कर लो तो आपसे बन जाएगा. ठीक है, देखो आप ये बराबर कितना दे रखा है, sec ऑफ ए माइनस tan ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ बी माइनस में tan ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई sec ऑफ सी माइनस में tan ऑफ सी. ये दोनों बराबर दे रखे, ये दोनों आपस में बराबर है. और मैं कहता हूं अगर ये दोनों बराबर है तो लेट दैट बोथ आर इक्वल टू एक्स. मैंने मान लिया कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो दोनों के दोनों एक्स के बराबर मान लेता हूं. अगर मैंने इसे एक्स के बराबर माना तो ऑटोमेटिकली वो भी तो एक्स हो गया. हाँ या ना, अगर मैं इसको एक्स मानता हूं तो नीचे वाला एक्स हो गया क्योंकि दोनों आपस में बराबर है. अगर ये दोनों एक्स हैं तो आप में से हर एक जना ये समझ जाए कि मैं अगर किसी भी एक को एक्स मानता हूं तो आपने से क्या किसी को ये भी आइडिया है कि ये जो लिखा है अब इसी साइड को इसको पकड़ रहा हूं, सिर्फ ये जो लिखा है इसको पकड़ रहा हूं, राइट है. ये अपने आप में लिखा है वन अपॉन कितना, जो वन ऑफ sec ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए लिख दू, मल्टीप्लाइड बाई कितना वन ऑफ sec ऑफ बी प्लस tan ऑफ बी, राइट है भाई. मल्टीप्लाइड बाई क्या वन अपॉन sec ऑफ सी, ठीक है, माइनस में सॉरी प्लस में कितना tan ऑफ सी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स. क्या दू, ऊपर की तरफ देखा जाए तो वन इंटू वन इंटू वन वन, लेकिन नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है एक्स. अरे नीचे जो लिखा है एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं ऐसा तुम्हें है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना वन अपॉन नीचे की तरफ कितना एक्स बराबर एक्स. और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना वन, इस तरह एक्स इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस वन. और अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माने दोनों साइड की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस वन, खत्म. नहीं ये गाने पकड़ना, बहुत सिंपल है लेकिन ये अलग तरीके का नहीं है बिल्कुल. इससे मिलता हूं एक क्वेश्चन और मार्केट में घूमता रहता है, वो ये घूमता है कि अगर हम आपको कहते हैं कि 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन सी, ठीक है ना, इजिकल टू में कितना 1 माइनस 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन सी, है ना. देन वी शो दैट दैट ईच साइड इज इक्वल टू में कितना इस साइड इक्वल टू प्लस माइनस वन, सेम. तो अगर भाई तुम्हें आपको याद रहता था ना कि ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे उसमें हम एक्स मानते थे दोनों साइड को एक्स मानते थे तो आप फटाफट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये हैंग कर देगा. ठीक है, ऑब्वियस बात है कि कल को कोई क्वेश्चन के अंदर अगर ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए कॉसेक बी प्लस कॉट बी करके देते तो भी क्या दराज है, वो भी बन सकता है कि नहीं. हम बस एक्स मान के करते दो, ठीक है. मैंने आपको जो नई चीज है प्लस जो पुरानी चीज है वो मिक्स करके अब भागना है. आगे चीज पे बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट है. ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बहुत पसंद आएगा, जिसको देखते ही आपका दिमाग खुशी से बाग बाग उछल उठेगा. वो भी लीजिए, by upon my sin theta is equal to mein de rakha hai a square minus b square. Then theek hai ax sin theta divided by cos square theta minus by cos theta upon sin square theta is equal to question mark. क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, इसने क्वेश्चन गलत दे रखा है बिल्कुल. अगर ये बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू जीरो देन, है ना, देन क्वेश्चन है
ax की पावर 2 बाई 3 प्लस by की पावर 2 बाई 3 इज गुड क्वेश्चन मार्क. मैं आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन जो है जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि आपको ये याद आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जरा सा भी हल्का नहीं लेना चीजों को. चलें, रेडी है ना? चल. अरे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन अपनी भी बेवकूफ बन रहे हैं, पता नहीं है. पहली बात, ये बराबर जीरो दिया है. मैं अगली लाइन लिखता हूं, आप सोच के जवाब देना. कितने लोगों को ध्यान है ये उधर चला गया, चला गया? अगर ये उधर चला गया, रुक करके सोचना, ये उधर गया तो क्या क्या उधर लिखा हुआ बता. dy cos theta अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिखा है ना. इधर क्या लिखा हुआ है? ax sin theta अपॉन cos स्क्वायर थीटा. अब sin theta cos theta वाले लोग जो उधर जा चुके हैं उनको उधर ही रहने देना. राइट है भाई? उधर क्या क्या, उधर कौन कौन से sin theta cos theta जा चुके हैं? cos theta अपॉन sin स्क्वायर थीटा उधर जा चुका है. अरे dy भी गया, वो एक अलग स्टोरी है. जो cos theta sin theta उनको उधर ही रहने देना. राइट है भाई? इधर क्या पड़ा हुआ है? ax sin theta अपॉन जो भी है. तो ax को हमने कहा तू बेटा यहीं रुक जा, और जो by ऊपर लिखा है उसे नीचे बुला लिया. बुला सकता हूं कि नहीं? और जो ax के साथ लिखे तो उनको उधर पलटा दिया. राइट है ना? अगर मैं उधर भेज देता हूं तो ये कितना बन गया? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये वाली बात नहीं आई? क्या क्या किया बताओ मैंने. इसको उधर ले गया और बीवाई को उधर बुला लिया, और sin theta cos theta को उधर रवाना कर दिया. क्या आपको कहानी तो पकड़ में आ रही है? अच्छा, अब कितने लोगों को लगता है कि ये बन गया 10 theta का होल क्यूब? सोचो जल्दी जल्दी, बन गया कि नहीं बन गया? अरे cot theta, cot theta, हाँ तो चेंज कराओ ना, फटाफट बताओ cot theta का होल क्यूब. अच्छा, नीचे की तरफ क्या बन गया? इधर की तरफ बन गया ax upon by, बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब दूसरी बात, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि cot theta अगर बन गया तो थोड़ा सा दिमाग का पेचा और लगाता है. ये जो लिखा हुआ है ना cot theta का होल क्यूब, इस cot theta के होल क्यूब को अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये लिखा हुआ है cot theta बराबर में ax की पावर 1 by 3 अपॉन में by की पावर 1 by 3, कोई एतराज? अच्छा, कितने लोगों को याद है कि cot theta is equal to होता क्या है बेसिक टर्म्स में? cot theta is equal to क्या होता है? cos upon sin. और अगर साइड्स की टर्म में पूछू तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. श्योर है ना भाई? तो इसको मैं बी बाई पी कर दूं, सही है ना भाई? लेकिन ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का होगा ना? तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को बीच में घुसाता हूं तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड, बेस ये वाली साइड, तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी हुई? बी बाई की पावर 1 बाई 3. और ये कितना हो गया? एक्स की पावर 1 बाई 3. अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं फ्री होने वाला हूं, लेकिन बस मैं एक चीज और पूछ लेता हूं. ये दोनों आए पड़े तो क्यों ना हम लोग इस बारे में भी बात कर ही लें. कितने लोग जानते हैं ये कितना होगा? बोलो ना. ax की पावर 2 बाई 3. गंदा जरूर लगेगा लेकिन फायदा तो इसी में ही है. इसका इस बार बोलो, dy की पावर कितना? 2 बाई 3. बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. अब आ जाओ इधर, अब आते हैं. ये तो हमने अब तक किसके साथ कसरत करी? इस आदमी के साथ. क्या हमने इसको टच भी किया? नहीं किया. अब मैं हम लोग ये जितनी कसरत इसमें करी वो सारी उसमें करते हैं. अगर मैं सेकंड इक्वेशन को उठाता हूं, इक्वेशन टू को उठाता हूं, तो देखो जरा सोच के जवाब देना. क्या आपको पता है कि यहां पे लिखा है ax अपॉन जो भी लिखा है, बाद में बात करता हूं, by अपॉन जो भी लिखा है बाद में बात करता हूं. राइट है? इस इक्वल टू में कितना लिख रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कितने लोगों को पता है कि उनके पास साइन थीटा मौजूद है? ये नीचे क्या लिखा है? कॉस थीटा. कॉस थीटा मौजूद है. उस ट्रायंगल को देख के बताएगा कोई कॉस थीटा कितना होगा? बोलो ना, कितना लिखो? ax की पावर 2 बाई 3 1 बाई 3. अच्छा, अपॉन अपॉन वो जो अंडर रूट में जो भी लिखा है. नहीं आया अभी भी समझ में. कितने लोगों को पता है साइन थीटा में क्या लिखा है? by की पावर 1 बाई 3 अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट जो कुछ भी लिखा है. क्या आप जानते हो ये बात कि अगर मैं बाय द वे थोड़ी देर बाद थोड़ा रिलैक्स होकर के सोचूं तो ये अंडर रूट कहां जाने वाला है? ऊपर. ये अंडर रूट कहां जाने वाला है? ऊपर. क्या लगता है अंडर रूट कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे ये अंडर रूट ऊपर गया, अंडर रूट ऊपर गया, अंडर रूट कॉमन आ गया. आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ, अंडर रूट कॉमन आ चुका है, ले लूं कॉमन? हाँ, या ना? अंदर ही अंदर. तब तक एक और काम भी होगा, ये जहां ऊपर गया ये जहां ऊपर गया तब तक ये दोनों भी तो कटेंगे. कितना बचा? ax की पावर 2 बाई 3. क्यों ये क्यों कर रहे हैं? ax की पावर 2 बाई 3 बचा. कितने लोगों को पता है इसकी पावर?
पावर कितनी है? वन। तो जैसे ही कटेगा तो वन माइनस वन बाई थ्री, बोले तो टू बाई थ्री प्लस, इधर से जिस दिन ये कटेगा तो बीवाई की पावर टू बाई थ्री। अच्छा, और इधर की तरफ कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेचारा अभी भी चुपचाप ही खड़ा। कितने लोगों को पता अंडर रूट में खुद में क्या लिखा हुआ था? ax की पावर 2 बाई थ्री प्लस by की पावर 2 बाई थ्री। क्या लगता है आपको ये जो लिखा है ये सिंपल लिखा है और ये अंडरूट में लिखा है? आपने से कितने लोगों को पता है कि अगर मैं इसे x मान देता हूं तो ये अंडरूट x लिखा है? x इंटू अंडरूट x कितना होता है? x की पावर 3/2। श्योर है ना? इन दोनों का मतलब x की पावर 3/2। तो आपने से किसी को एतराज नहीं हो अगर मैं पूरे को एक ही कहानी बोल दूं और पूरे की पावर 3/2 कर दूं? रिजल्ट में कितना चल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर कितना? ए एक्स की पावर 2/3 प्लस में कितना? बी वाई की पावर 2/3। क्या ख्याल है? और इस 2/3 को जिस दिन मैं उछकाऊंगा तो जैसे यूं उछालूंगा तो ये उल्टा गिरेगा ना सर के बल, है ना? तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ जरा? रिजल्ट कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, है ना? ये तो नहीं प्रूव करना कहीं, है ना? रिजल्ट क्या होगा? तो आंसर कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 हो गया कि नहीं हो गया? यहां जो बचेगा वो क्या होगा? वो यही तो होगा जो आपको मांगा गया है। हाँ भाई, बहुत मुश्किल तो नहीं? यहां पे मैंने कम से कम इस जगह से इस जगह तक आने में आपकी तीन लाइनें दबा दी, नहीं तो आप तीन लाइन और लंबा खींचते इसको। कितने लोगों को अभी भी ध्यान है ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? इसको उधर भेजा, बी वाई उधर ले लिया, ये हो गया, फिर टेन थीटा को ट्रायंगल में बदल लिया, साइन थीटा कॉस थीटा बनाया इनके नीचे पटक दिया तो दिया तो दूसरी इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर ले गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं नेक्स्ट। है ना? हाउ समझते हैं आप लोग? है ना? हाँ, हाउ, है ना? और नहीं हो तो हाउ बिकम्स हाउ, हाउ HOW, ठीक है? हाँ साहब, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण से दे रहा हूं, आपको ट्राई कर लेना घर से। अगर टेन ए प्लस साइन ए इजिकल टू एम हो और टेन ए माइनस साइन ए इजिकल टू एन हो, देन शो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इजिकल टू में 4√mn। पहला क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, पूरी ताकत लगा देना आप इसमें, ठीक है? पहला क्वेश्चन उम्मीद है हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दो पे दिमाग लगाएं, ठीक है भाई? लेट्स सी, एलिमिनेट थीटा एंड रिलेट, राइट भाई, ए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा, राइट भाई, एंड शो दैट ए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट है? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ये तो अति साधारण प्रश्न है, हो जाना चाहिए टेन से। हाँ बिल्कुल, दोनों हार्ड है, मतलब आप ऊपर ही चलना है आपको, टेन तो हम बिल्कुल भूल जाओ, टेन को तो हमको बस इतना याद रखना पड़ेगा टेन थीटा में साइन थीटा बराबर पी बाई एच लिखा है था, बस दैट्स इट। बाकी तो हम वो भी बदल देंगे आपके दिमाग से सब बदल देंगे। अच्छा टेन की एडिशन में मेरे को सुनाई दिया टेन से हार्ड है, मैंने कहा ऑब्वियसली बहुत ऊपर जाएगी अभी तो बात, गुड है, अगर टेंथ की आरडी शर्मा है तो मजा आ जाएगा। देखें क्वेश्चन है, इफ देखो आपने ये वाला क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो और मजा आएगा, साइन की पावर एन थीटा प्लस में दे रखा है कॉस की पावर एन थीटा, देन आपको मेरे को बताना है T3 माइनस T5 अपॉन में नीचे दे रखा है T1 इज इक्वल टू दे रखा है T5 माइनस में T7 अपॉन में नीचे दे रखा है T3। भाई मेरे हिसाब से वाकई में हार्ड है, नो डाउट, मैं इस बात को मानता हूं। इफ TN टी के नीचे एन लिखा है, टेन नहीं लिखा ना, टी एन। अगला 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 हाँ, साइन की पावर एन थीटा, साइन थीटा की पावर एन प्लस कॉस थीटा की पावर एन, लिख लिया? हाँ, एलिमिनेट थीटा एंड रिलेट दिस एंड दिस। हाँ, कहानी पकड़ में आ गई यहाँ पर? तीन क्वेश्चन बहुत साधारण साधारण से दिए हैं, मेरे हिसाब से आपको देखने में डर लग रहा है, बस देखने में डर लग रहा है, लेकिन जिस दिन आप करोगे उस दिन हो जाएगा।
चलो अब करते हैं, आ जाते हैं अगली बात पे। इफ cot alpha प्लस tan alpha इज इक्वल टू m एंड sec alpha माइनस cos alpha इज इक्वल टू n, देन वही शो दैट टेंथ लेवल की चीजें m इंटू में दे रखे हैं m n स्क्वायर की होल पावर में दे रखा है 1/3, माइनस में दे रखा है n इंटू में m स्क्वायर n की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ भाई अगला। अब जो ये मैंने दिया ये आपको ट्राई करके आना है, ठीक है? आप बोलो तो एक ये मैं करके दिखा देता हूँ, है ना? देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ नहीं बताऊँ, पूरी ताकत लगा देना। फिर भी मैं आपको एक सीन समझा देता हूँ, देखो सीन समझा देता हूँ, आराम से कर लेना। आपको मेरे को कोई जल्दी नहीं, मैं तो आगे चलूंगा ना, मेरे को वैसे भी इस जगह पे रुकना भी नहीं, मैं तो अगले टाइटल पे चलूंगा लाइट एंगल पे, ठीक है? लेकिन पहले आपको सीन समझा देता हूँ। जैसे ये दे रखा है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। टी एन है ना, तो टी थ्री की वैल्यू जैसे टी थ्री लिखोगे तो जैसे यहाँ तीन लिखोगे तो यहाँ तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो टी थ्री की वैल्यू पुट कर देना। टी फाइव का मतलब एन की जगह पांच पांच रख देना, घटाने के टाइम पे घटा देना। सॉल्व करने की कोशिश करोगे सॉल्व कर लोगे, आप पहले तय कर लो। देखो मैं आपको चीज समझा देता हूँ, आपको फ्यूचर दिखा देता हूँ ताकि आप तय करना सीख जाओ कि मुझे करना क्या है। मान लीजिए हमारे यहाँ इलेवंथ के छह बैच बने, मान लेते हैं एक बार छह बैच बनेंगे आफ्टर शफलिंग वगैरह, मान लेते हैं, ठीक है ना? जो सबसे बढ़िया बैच बनेगा, अभी जो है वो तो ऐसा ही है, वो तो जुगाड़ है। लेटर जो बनेगा सबसे बढ़िया बैच होगा पी स्टार, ठीक है ना? और अपने से जिसको भी जिंदगी की थोड़ी बहुत समझ है उसे ये पता होगा कि जितने अच्छे बच्चों के बीच आप बैठते हो उतना तेज आपका ब्रेन काम करता है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ नया नया सिखाते हैं जो आपका दिमाग अकेले नहीं सीख सकता, ठीक है ना? और पी स्टार ऐसे खड़े खड़े नहीं मिलने वाला आपको कि आप खड़े रहे और कुछ भी नहीं करके लाए फिर भी आपका पी स्टार बन गया, नहीं साहब। मेहनत करने वाले बच्चे उधर जाते हैं, या फिर कोई गॉड गिफ्टेड है तो बात हो रहा है, लेकिन गॉड गिफ्टेड इक्का दुक्का होता है, बाकी अधिकतर बच्चे मेहनत वाले उधर पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो आपको तय कर लेना कि आपको करना क्या है ना, तो फ्यूचर आप देख लें। पी सिक्स में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा जिस दिन जितना आपको इतना भी पढ़ने की इच्छा है ना, तो सात वाले इतना भी नहीं पढ़ने देंगे, इच्छा भी मार देंगे। कुछ दिन बाद आपको सिस्टम से उपकाई आने लग जाती है, क्योंकि वो तो पागलों का समूह होगा ना, नहीं तो मर जाएगा, सिस्टम से उपकाई आने लग जाएगी, है ना? समझो आप मर जाओगे, है ना? इसलिए पूरी कोशिश करो बचने की। ये बात और है कि हम फिर भी उसको भी बचाते हैं कि भाई पी सिक्स को भी बचाओ कैसे नहीं करके, हमारी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन आसपास का एनवायरमेंट मारता है ना उसे। चलिए एनीवे आगे चलते हैं, तो कोशिश कर लेना कि आप ये गलती ना करें कि आप छोड़ने की इस तरह के प्रयास कर लिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करता हूँ तुरंत। अगला टाइटल है, हालांकि मैं बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन और लगा दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को टाइटल की तरह चलना है, उसका नाम है, नया टाइटल दे रहा हूं, नाम है रिडक्शन फार्मूले। रेडी है ना? इसमें एंट्री करने से पहले कुछ पुरानी बातों को ठीक कर देता हूं, माने जिनको आपने कैसे भी पढ़ा है उनकी मैं बताता हूं रियल डेफिनेशन। अप टू बेसिक ट्रिगो फंक्शन, रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिगो फंक्शन, बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर आपको याद हो अपने साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा सबकी बेसिक बातें सुन रखी है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी बी बाई पी एच बाई बी एच बाई एच एच बाई पी सब सुन रखा आपने, है ना? अब आपके लिए काम की बात क्या है? काम की बात यह कि अगर आप इसकी सही मायने में डेफिनेशन सीखना चाहते हैं ना, तो सही मायने में डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको सर्कल पे देखेंगे। सपोज कीजिए ये आर रेडियस का सर्कल है, कितनी रेडियस का? आर रेडियस का सर्कल है जो हमने ओरिजिन पे क्रिएट कर रखा है। कहां पे क्रिएट कर रखा है? ओरिजिन पे, माने इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे है तो मैं अपनी तरफ से किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूं। सपोज मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये जो लाइन क्रिएट होगी, आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि ये दूरी एक्स कहलाएगी,
क्योंकि x एक्सिस से दूरी है, ऑब्वियस बात है x एक्सिस है, सही ना, ये वाला y एक्सिस है। अच्छा अगर ये दूरी x कहलाएगी इस पॉइंट के लिए, तो ये वाली दूरी y कहलाएगी, इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोमा y होंगे, उम्मीद आपको पता होगा। अच्छा ये अगर x कोमा y है तो मैं इस एंगल को एक बार के लिए कितना मान लेता हूं, थीटा, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं, तो यहां पे अगर बाय द वे आपकी डेफिनेशन से चला जाए तो आपको पता होगा साइन थीटा इज इक्वल टू है पी बाई एच होगा, पी बाई एच होगा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होगा तो जरा सा दिमाग लगा के बताओ इस थीटा के लिए पी कौन है, वाई, हाँ या ना। और अगर मैं आपसे पूछूं एच कितना है, एच ये वाली साइड और वो है आर, क्योंकि मैंने क्या बोला था कितने रेडियस का सर्कल है आर, तो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी आर, तो मेरे लिए साइन थीटा जिंदगी भर के लिए पक्का हो गया कि साइन थीटा इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। बात पकड़ में आ रही है आपको? अच्छा अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, कॉस थीटा की तरफ, किस तरफ, कॉस थीटा की तरफ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है एक्स अपॉन में कितना आर, तो मैं इसको बोलूंगा एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय आर। ये जो डेफिनेशन है ना ये मेरे लिए सबसे सही और सबसे सटीक डेफिनेशन है और मैं जिंदगी भर हर बात के लिए इसके ऊपर निर्भर करूंगा। अब आगे से अब मेरे लिए P बाई एच कमजोर होता जाएगा और ये मेरे लिए आगे चलता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरे को बहुत सारी चीजों से छुटकारा देगा। आप में से कई लोगों को याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि साइन थीटा साइन 91 कैसे होता है, देखो आप में से किसी को अगर यहां पे दिमाग लगे तो जिस दिन थीटा 90 हो जाएगा, थीटा के 90 होते ही ये वाला पॉइंट उठ करके यहां पहुंच जाएगा, सोचो ना, अगर मैं इसी सर्कल पे चलता रहूंगा तो पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचूंगा 90 होते ही, और जिस दिन मैं 90 होते ही यहां पे पहुंचूंगा, आप में से किसी को पता है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो चुका होगा, इसका कोऑर्डिनेट बोलो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, r, तो आप में से किसी को पता है y कितना हो गया r, तो r बाई r 1 हो गया। मैं यही बात सकता नहीं, p बराबर h नहीं हुआ, देखो ये तो खास बात हुई कि मैंने आपको p बराबर h होने नहीं दिया, देखा वो मैंने आपको p बराबर h नहीं होने दिया, मैंने इसमें p बराबर h नहीं होने दिया, उसके बावजूद आपको 1 दिखा रहा हूं मैं पूरी तरीके से। देखो जिस दिन ये वाला पॉइंट p उचक करके यहां पहुंच गया तो x और y बदल के किसमें बदल गए, 0 और r में, और 0 और r में बदलते ही इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया r, तो sin थीटा की वैल्यू हो गई y कोऑर्डिनेट r बाई r, बोले तो 1 है ना। हाँ ये अलग स्टोरी है, अब आगे की बात सुनो, आगे की बात क्या है, आगे की बात इसके आगे यही तो समझाने के लिए इसको उठाया गया, वरना पी वाई एस तो मैं कुछ भी प्रूव कर देता। मैं आगे की बात समझाता हूं, कितने लोगों को पता है कि जैसे ही आपका मामला जिस दिन इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, इस क्वाड्रेंट में आप में से किसी को याद हो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई, क्या बात मानते हैं वाली बात। तो अगर देखा जाए इस क्वाड्रेंट में आते ही आपका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहा, इस क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहा पॉजिटिव, और साइन थीटा पूरी तरह से वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है क्योंकि रेडियस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो माने सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा हो गया पॉजिटिव। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ वाई कैसा होगा नेगेटिव, फोर्थ में वाई कैसा नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे आते ही वाई नेगेटिव, इसीलिए दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा नेगेटिव, जबकि पहले दो क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा पॉजिटिव। अब जरा कॉस को पर नजर करते हैं, कॉस किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर, एक्स कोऑर्डिनेट पर, इधर आते ही एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, नीचे आते ही नेगेटिव, इधर जाते ही पॉजिटिव, क्योंकि इसके उधर सारे एक्स पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। ये तो सिर्फ क्वाड्रेंट तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का, सीधी बात है एक्स इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर वाले में कितने क्वाड्रेंट गिर गए, एक तो ये और एक ये, इसीलिए कॉस थीटा इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? और रही बात टेन थीटा की, तो टेन थीटा तो बुरी तरह से साइन और कॉस पर डिपेंड करता है, इन दोनों को देख करके अपना हिसाब बना सकते हैं आप। फिर भी अगर आप में से किसी को टेन थीटा के बारे में जानना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स हो गया, सोचो क्या ख्याल है। अब आप बताओ फर्स्ट क्वार्टर में एक्स और वाई पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव, ये वाले में नेगेटिव क्योंकि वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तो दोनों का डिवाइड नेगेटिव, इस वाले में दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव है ना, बिल्कुल सही करो, इस वाले में पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, इस वाले में नेगेटिव, तो आपको पता है टेन थीटा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, राइट भाई। इस वाले में दिमाग लगाते हैं, एक मिनट दिमाग लगाते हैं, इस वाले में सेक थीटा,
सेट थीटा किस पे डिपेंड करता है? कॉस पे, राइट है ना? और कॉस किस पे डिपेंड करता है? एक्स पर। इस क्वाड्रेंट में सेट कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव। कितने लोगों के बात समझ में? इसमें इसके इधर, इस लाइन के इधर एक्स हमेशा पॉजिटिव, इस लाइन के ऊपर वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। बस आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई कैसा चल रहा है। सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है, सारे खेल का मायाजाल इसमें। पहले आपको बेसिक फंक्शन पकड़ना आना चाहिए कि बेसिक फंक्शन क्या कहते हैं। अब इसको याद करने के तो बहुत तरीके हैं, हमने तो अरे गरीब बच्चे के लिए तो दुनिया रची है सारी, गरीब बच्चे को तो हम पता ही नहीं लगने देते। याद है यानी किसी को याद है? हाँ, ऑल स्कूल, बिल्कुल याद आया आपको? हाँ बिल्कुल आपको याद होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, याद आया आपको? इसमें साइन थीटा और कोसेक, कोसेक थीटा पॉजिटिव। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? इसमें कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ठीक है। ऑल सिल्वर टीकअप, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट्स टू कोचिंग, वट एवर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना? याद करने वाले लोगों के तरीके हैं, ऑल सिल्वर टीकअप, है ना? हम लोगों ने अपने अपने तरीके सोच रखे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह याद रहेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद की बात सुने आप, ठीक है। काम की चीजें सुनते जाओ, तो बस कि मेरे काम की चीजें कहां कहां आई, ये आपको ये कहानी पकड़ में आ रही है, इसको कॉपी कर लेना। लेकिन कॉपी करने के दौरान, है ना, मैं वो जो लिखवाऊंगा वो एक अलग स्टोरी, लेकिन मैं समझा के जा रहा हूं। अब आता हूं मुद्दे पे, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने रिडक्शन यूज नहीं किया था, अब मैं पहला रिडक्शन आप सिखा रहा हूं आपको, 90 माइनस थीटा का रिडक्शन। बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट और, ये मैंने एक्चुअली किया ना, मैं एक रिमाइंडर लगाता हूं ताकि मेरे को याद रहे। मैं हर बार 5 मिनट बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन बेल नहीं बज रही है, ठीक है, तो मैं रिमाइंडर यूज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। हाँ साहब, अरे इस फोन का इतना रुपया डाल गए, एक ही तो यूज है, रिमाइंडर याद तो दिलाए कोई कि काम करना है। हाँ भाई, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे होता है? पहली चीज मैं आपको बताता हूं, पूरी कहानी सर्कल पे डिपेंड करती है, यानी सर्कल बना ही कहां, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता हूं, वैसे मेरे हाथों में बांक है, ठीक है, ठीक है। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल। हाँ भाई, काम की बात सुने आप, काम की बात क्या है? ये मेन सर्कल है जिससे आपने सारा खेल सीखा, भी जिसको आपने थीटा बोला, याद है? उम्मीद है आपने से हर एक किसी को पता होगा ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो जल्दी से बता दो, ये दूरी एक्स है, ये वाली दूरी वाई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, है ना। अब एक छोटा सा काम करता हूं, मैं वापस से इसी सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज करो मैंने यही ड्रॉ किया वापस, राइट है। आपसे एक छोटे से बात पूछता हूं, किसी को अगर ध्यान पड़े तो मुझे बस ये वाला एंगल बताओ आप, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, भूले तो नहीं ना भाई, 90 माइनस थीटा कर दूं। अब एक काम करता हूं, ठीक है, यही ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल बना है, इसी ट्रायंगल को दोबारा से इसी जगह ड्रॉ करता हूं, लेकिन एक छोटी सी समझदारी के साथ, ओरिजिन पे जानबूझ करके 90 माइनस थीटा बनाता हूं, राइट है भाई। 90 माइनस थीटा में जानबूझ करके इधर क्रिएट कर दूं, कर दूं। अगर मैंने 90 माइनस थीटा इधर क्रिएट कर दिया, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि जब तक थीटा था तो थीटा के साथ, रुको रुको रुको, इतनी भी जल्दी नहीं है ना, क्या आपको रुको रुको रुको, पहले आराम समझाता हूं, है ना। इसके अंदर थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसमें मैंने 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, दोनों एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए? अच्छा, एक साइड मिल गई आर, ये साइड आर, कोई कॉन्ग्रुएंसी बैठ गई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बैठी कि नहीं बैठी? इसका मतलब ये कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, हाँ या ना। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी में भी कौन सी वाली, ऐसे क्या आपको कहानी पकड़ में आई? और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट में इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये कि थीटा के सामने वाला अगर वाई है तो इधर थीटा के सामने वाला अब ये वाई बन गया, क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? उधर 90 माइनस थीटा के सामने वाला एक्स है तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला ये क्या बन गया? एक्स बन गया। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली एक्स कोमा वाई से वाई कोमा एक्स बन गए, नहीं है कहानी पकड़ में? और अगर बन गए तो ध्यान से सोचना कि आपको रिडक्शन करना है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब ये, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, राइट है, साइन 90,
ध्यान से सुनो, मैं क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्या कर रहा हूं, रिडक्शन कर रहा हूं, रिडक्शन, रिडक्शन माने कम करना, रिड्यूस करना, हाँ या ना। ये अभी थोड़ा बड़ा लगा है, इसको मैं सिंपल एंगल, सिंपलर एंगल में रिड्यूस करना चाहता हूं, थीटा में। तो अगर मैं इसको थीटा में रिड्यूस करना चाहता हूं तो सोचने की बात है कि आपको पता है किसका केस किसका लड़ा जा रहा है, साइन का। एंगल कौन है अंदर, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए अगर मैं साइन की बात करता हूं तो साइन थीटा उसका वाई कोऑर्डिनेट लेगा। अरे साइन थीटा क्या लेगा, वाई कोऑर्डिनेट, याद है ना, फंडामेंटल मत छोड़ो, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय आर। और आज के दिन वाई कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स। सो आई मस्ट से इट इज ऑल इक्विवेलेंट टू एक्स बाय आर। लेकिन अगर ये एक्स बाई आर है तो एक्स बाई आर तो पिछले वाले में माने मेन में एक्स बाई आर क्या था, कॉस थीटा था। इसी कारण से ये क्या बन गया, सो इट बिकम्स कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट इज नॉट दैट कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। एक बार जिंदगी में आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, बस एक बार, वन टाइम इन योर लाइफ, बाकी सब मोह माया है। बाकी दोस्तों जिसको याद होता है वो सब जानता है, सबको पता ही है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या आप कर लेंगे आगे तो, है ना भाई। अच्छा अब आपको क्या करना है, आप कॉपी करना चालू करना, लेकिन यहां तक तो लिख लिया होगा, इसके बस सिर्फ तीन लाइन लिखने, लिख लो फटाफट से, ठीक है। वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल उसमें ए में, वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सेंटर एट ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट लिखेगा, टेकिंग अ पॉइंट पी, ठीक है, एक्स कोमा वाई, बाकी आप ये कॉपी करना है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री में। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम रिलेशन, रिलेशन दे रखा है ए सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी टेन थीटा, राइट है भाई। और दूसरा दे रखा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। एक बच्चे के दिमाग में यार ये कहां दे रखा है, ये तो दे नहीं रखा, ना ना ये शो नहीं करना, एलिमिनेट थीटा करना है। शो दैट लिखा था क्या, नहीं नहीं शो नहीं करना, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दीज टू रिलेशंस। कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो अभी वापिस दे देता हूं, कल कर लाना। अरे बस ये देखो, क्वेश्चन कहता है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम, ठीक है, दिस एंड दिस, दैट्स इट, है ना। अरे अब मेरे हाथ में आ गया, मैं कर ही देता हूँ इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना जरूरत ही नहीं है, कल के लिए मैं और दे दूंगा दो क्वेश्चन, आप दूसरे में कर देना थीटा, ठीक है। हाँ अब हाथ में आ गया तो फिर क्या अच्छा भी लगता है कि काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको, अब में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो लिखा है, ये लिखा है ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्या आप ये बात मान गए, क्या आपको ये दिख गया कि ये जो लिखा है, मैं ऐसे ही मानसिक करवा दूंगा, हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये इसके टुकड़े हो गए, इसके टुकड़े हो गए, क्या क्या हो गए, ए sec थीटा माइनस बी tan थीटा इंटो, अरे बोलो ना इसके टुकड़े, ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े पूछवा रहा हूं, नहीं आया, जिसमें ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा कितना है 1, तो बचा कौन, ए sec थीटा माइनस बी tan थीटा, तो मैं वो कितना लिखूं बोलो, ए sec थीटा माइनस बी tan थीटा इज इक्वल टू कितना 5। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो आप पछता रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि मैं जोड़ू या घटाऊं, जोड़ो तो बोल दो जल्दी से, sec थीटा बराबर कितना, 3/8, डायरेक्ट बोलना सीखो, सोचो सही है क्या। अच्छा चलो, इसमें जिसने नहीं दिमाग लगा, मैं कह रहा हूं एक एक सेकंड आप मेरे साथ जीना, आपको दिखेगा कुछ, मैंने जोड़ा है, जोड़ते ही 2a sec थीटा हो गया,
टू ए सेक थीटा बराबर 6, इसका मतलब सेक थीटा बराबर 3/8 है ना भाई। अब मैं घटाता हूं, घटाते ये दोनों जुड़ गए, ये माइनस 4 बच गया है ना, तो ये कितना हो गया बी बराबर में टेन थीटा बराबर में कितना बोलो, टेन थीटा बराबर में माइनस 2/b। कितने लोगों को पता है कि sec थीटा और tan थीटा में एक रिलेशन होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर बोलो 9/a² माइनस 4/ समझ में आया 4/b² इज इक्वल टू 1, ये आ गया रिलेशन। क्या थीटा बचा, इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग थीटा। पूरी कहानी में सब निकाल के लाए और लास्ट में उसी को उड़ा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और देता हूं एलिमिनेटिंग थीटा, नहीं बस ये अब थीटा हट चुका है, बस थीटा आगे हटते एलिमिनेटिंग थीटा, कहानी पकड़ में आ गई है ना भाई। हाँ वो शोधेड अगर मैं लिख दिया तो गलत आ गया था। एनीवे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, तो आप मेरे को ऐसा आपको परेशान थोड़ी ना करने, मैं तो खुश करना चाहता हूं, आप करो। क्वेश्चन है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, एलिमिनेट एलिमिनेट थीटा। कर लोगे अब तो, मुश्किल तो नहीं है भाई। हाँ भाई ये आप घर से कर लेना। एक और क्वेश्चन भी मेरे ऊपर उधार होना चाहिए था, उम्मीद है आपसे वो भी कम जनों से बना होगा, बना होगा एक का दुका से, लेकिन सबसे नहीं बना होगा। और वो कौन सा क्वेश्चन है, मैंने दिया था कि नहीं दिया था, आई डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नहीं, मैंने प्रूव करने को दिया था कुछ क्वेश्चन था, मैं लिख देता हूं इफ कॉट अल्फा, क्योंकि मेरे को भी जरूरत पड़ेगी, प्लस टेन अल्फा इज इक्वल टू एम, और दूसरा है सेक अल्फा माइनस में कॉस अल्फा बराबर में कितना एन। श्योर है ना भाई, तो क्वेश्चन वाले को मेरे को तो प्रूव करना था, मेरे को प्रूव करना था एम एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस एन इंटू में एम स्क्वायर एन की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना 1। ये मेरे को प्रूव करना है, बहुत ही अल्टी क्वेश्चन है, अल्टी क्वेश्चन वाके में अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर आपसे कितने से बना, पहले कितने लोगों ने बना लिया, बना लिया, गुड वेरी गुड, अभी बन गया है ना, बना बन गया गुड। अच्छा देखो मैं फिर वही मानसिक, इसको मानसिक कर कॉस अपॉन साइन दिख गया, क्या दिखा साइन अपॉन कॉस, देखोगे नहीं तो मैं पेपर में लिख कर रहा हूं, मैं तो पेपरलेस काम कर रहा हूं, आप और मैं ही तो, ठीक है। अगर मैंने बाय द वे नहीं लिखा तो इसका मतलब मैं लिखना ही नहीं चाहता। कितने लोगों को पता है कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन कॉस, एलसीएम देखा, एलसीएम क्या आया साइन कॉस, ऊपर क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी पहली लाइन 1 अपॉन में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर एम, लिख दो। क्या आप ये बात मानते हैं, इसका मतलब मैं आपको कह चुका कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर 1/m, पेपरलेस काम इतना कर दिया, राइट है। अब इधर आ जाओ, इससे पूछो तेरी क्या तकलीफ है, क्या आपको 1 अपॉन कॉस अल्फा दिखा, आसान एंगल में तोड़ लिया, ये ऑलरेडी कॉस अल्फा छेड़ा ही नहीं, एलसीएम कितना आया कॉस अल्फा कितना बन रहा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना एन। अब एक काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं वाकई में, तो ये हो जाएगा साइन, देखो मल्टीप्लाई मानसी कर दू साइन क्यूब और कॉस से कॉस कट गया, क्या रह गया साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू कितना एन बाई एम। श्योर है, कितने लोगों को लगता है कि उनके पास में साइन अल्फा आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू एन अपॉन एम की होल पावर 1/3। अब आप में से कई लोगों को लगने लग गया होगा कि हाँ कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे, ये तो साइन अल्फा आया, इसको मैं यहां रख देता हूं, यहां रख दू ठीक है ना, इन इसमें लिख रहा हूं भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, राइट है भाई, इन इक्वेशन नंबर 1 रख दो। कितने लोगों को, अब ये भी फिर मानसिक होगा, मानसिक जितना हो सकता है दिमाग में, साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैंने ये रख दी एन बटा एम की पावर 1/3,
तो जैसे ही कॉस अल्फा रखूंगा तो एन बटा एम जो यहां पे लिखा है ना, एन बटा एम नोज बटा मनोज, ठीक है ना, एन बटा एम इधर आकर के एम बटा एन हो जाएगा। हाँ या ना, तो बोलो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एम बाई एन की होल पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/m। श्योर, ये m की पावर 1/3 से कटा, m की पावर कितना रह गया 2/3, यहां पे कितना रह जाएगा m की पावर 2/3, तो यहां पे फाइनली क्या बच गया 1/(n^3) इंटू में m की पावर 2/3, राइट है। अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की भी और कॉस अल्फा, कोई भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा मिलते ही क्या करता है, स्क्वायर करके ऐड, याद है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो मेरा काम एलिमिनेट, बिल्कुल। अगर मैंने कर दिया एलिमिनेशन तो मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 में मैं पुट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बोलो, उधर से स्क्वायर करके बोलना डायरेक्ट, कर दिया एन की पावर 2/3 अपॉन में एम की पावर 2/3 प्लस उसका स्क्वायर करके बोलो 1/(n^3) की पावर कितना 2/3 इंटू में m की पावर बोलो 4/3, खूबसूरत खूबसूरत, इज इक्वल टू कितना 1। हाँ भाई एलसीएम बोलो, क्या यही तो नहीं आ गया, यही आ गया, अरे यही आ गया ना एलसीएम, है ना, ये तो है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो सीखेगा ना, यही आ गया एलसीएम। अगर एलसीएम आ गया तो जिस दिन इसका डिवाइड इसमें जाएगा ये हो जाएगा एम एन की होल पावर 2/3, सोचना ऊपर की तरफ, प्लस जिस दिन इसका भाग इसी में गया तो प्लस 1, राइट है। अपॉन में नीचे कितना बता रहे हो, अपॉन में नीचे आप बता रहे हो एन की पावर 2/3 इंटू, ये भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, मेरा पेपर खराब हो रहा है इतना, इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैं आपको कहता जो नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अरे इधर का एलसीएम ये आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, अभी भी देखो फाइनली कितने लोगों को दिख गया क्रॉस मल्टीप्लाई, दिख रहे हैं, अच्छा इस वन को यही छोड़ दो, इसको कहो तू भी उधर जा, अरे एक स्टेप खाना तो सीखो, खाना सीख रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा, बोलो क्या लिखूं, एम की पावर 4/3 एन की पावर 2/3 माइनस एम की पावर 2/3 एन की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, क्या यही है, क्या वही लिखा है, ये वही लिखा है क्या, आओ देखते हैं, देखो जरा कितने लोग बताते हैं, इसमें एम की पावर बोलो, इस एम की पावर बोलो, इस एम की पावर 1, दोनों के मिलाकर के एम की पावर कितना, कितना, अरे नहीं नहीं एम की पावर 4/3 आया कि नहीं है, इस एम की पावर बोलो 2/3 एम की पावर 2/3, क्या वही नहीं लिखा, अब पीछे वाला देखो, इसमें एम की पावर कितना 2/3, इसमें एम की पावर 1/3 इंटू एन, तो एन की पावर 4/3 नहीं आ रहा, अब कहां गलती कर दिया अपने, कुछ कमी छोड़ दिया हम लोग, कुछ कमी छोड़ है, कुछ कमी छोड़ है, सेक अल्फा यहां हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में एन बाई एम हो गया, एन बाई एम की पावर 1/3 हो गया, बाई एम की पावर 1/3 को हमने यहां रखा, पलट गया आ गया, एम की पावर में कितना हो गया 1/3 इंटू में एन की पावर 1/3, कटा पीटी हो गई, एम की पावर में कितना रह गया 2/3, एन की पावर में 1/3, यहां पे एन की एक पावर एक्स्ट्रा चाहिए, कहां पे, और फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू उठाई, इसका दुगना करा, वहां पे पहुंच गए, यहां कुछ हमने एलसीएम में कुछ गड़बड़ करी है, श्योर है ना, ये एन की पावर 4/3 है, याद आ गया, एन की पावर कितना, एक मिनट, एम की पावर 4/3, ये एन की पावर, मैं इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, हाँ एम की पावर 4/3 और ना, एक मिनट, इसका डिवाइड इसमें क्या, एन की पावर 4/3 और एन की पावर, इसका भाग इसमें गया एम की पावर 2/3 एम की पावर 4/3, अब बैठा ना, हाँ ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक तो लास्ट स्टेप में रह गई, मैंने सोचा गलती कहां कर सकते हैं, हो ही नहीं सकती, दिमाग के बराबर चांस है, इसको उधर करा, ये एम की पावर 4/3 एन की पावर 2/3 बराबर, इसको उधर उचकाया एम की पावर 2/3 एन की पावर 4/3, हो गया ना, अब सेट हो गया, वही आगे के नहीं आ गया, है ना, तो हंस प्रूव्ड, चलो आगे, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रोसेस में कहीं कोई गलती नहीं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती था, एम और एन की वैल्यू निकाल ली, कैसे एम की क्या वैल्यू निकली, एम की
अच्छा आपने एम और एन की वैल्यू साइन अल्फा में निकाल के पुट कर दी, साइन और कॉस बना करके, बिल्कुल चलेगा, गुड आइडिया, बन गया बन गया, मेरे को समझ में आ गया, एकदम सही जा रहे हो, कोई गलती नहीं, उसे कोई गलत नहीं कहेगा, वो भी अच्छा है, गुड आइडिया, और सोचते हैं, ठीक है। अच्छा इसके जवाब मैंने जो भी दिया होगा आपने उम्मीद कर लिया होगा, है ना, अभी मैं उसकी गहराई में भी नहीं आना चाहता। मेरी बात कहां तक आ गई थी, कितना 90, अच्छा 90 रिडक्शन फॉर्मूले में आ गई है ना भाई, मैं एक मिनट जरा दोबारा से मेरी बात रख दूं, रिडक्शन फार्मूले, मैं इससे पहले कि रिडक्शन फार्मूले पे लेके जाऊं पहले आपको याद दिला दूं, आर रेडियस का सर्कल है ना, चले मारती है ना भाई, हाँ भाई आर ये सर्कल जैसा नहीं है लेकिन हम फील है ना। अच्छा किसी को याद है, एक कोई भी पॉइंट पकड़ा, पॉइंट को पकड़ा, ये रखा, इसकी वैल्यू थीटा, ये वैल्यू एक्स, ये वैल्यू वाई, इसके कारण कोऑर्डिनेट का नाम एक्स कोमा वाई, ये वाली दूरी आर, साइन थीटा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, याद आया। अच्छा कितने लोगों को याद है कॉस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, भूलना नहीं है बस, आप बेसिक मत भूलना, ठीक है ना, वरना रिडक्शन फार्मूले की मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट ईयर रिडक्शन फार्मूले का नाम तक नहीं लिया, सारे क्वेश्चन बराबर बने, सबके बन गए, ठीक है ना। मैं तो रिडक्शन फार्मूला सिर्फ आप में से कुछ बच्चों का उत्साह देख करके, क्या इसका लेवल अप है, पिछली बार वाले से बच्चा बहुत बेहतर है, तो मैं इस लेवल की बातें कर रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है, गरीब बच्चों को अपन ये सब नहीं सिखाते, उसको तो डायरेक्ट सिखाता, उसका क्वेश्चन बनता है, वो सुखी रहता है, उसको इस सबसे मतलब नहीं है, लेकिन जिसको मतलब नहीं है ना वो दुखी भी होता है बाद में, जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं साइन 90 कैसे वन हो गया, तब उसे बेसिक आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं, है ना भाई। अच्छा इसके बाद में हम लोगों ने पहला रिडक्शन किसके नाम से लगाया, 90 माइनस थीटा, याद आया, मैंने 90 माइनस थीटा में क्या कर डाला, सही है ना, याद आया, 90 माइनस थीटा में मैंने कहा ये जो मेरा थीटा था, इसके पास वाला एक्स था, इसके पास वाला वाई था, ये वाला आर था, उस समय मैंने आपको बताया ये कौन है, 90 माइनस थीटा। अब मैंने सारा ट्रायंगल इस तरह से घुमा दिया कि आप में से कई लोगों का 90 माइनस थीटा यहां क्रिएट हो गया, याद आया, मैंने इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा कर दिया, इसको 90 माइनस थीटा कर दिया, ऑटोमेटिकली थीटा पड़ गया, थीटा पड़ते ही थीटा के सामने वाला वाई यहां चिपक गया, याद आया, और ये वाला क्या बन गया एक्स, तो जो कोऑर्डिनेट अब तक एक्स कोमा वाई हुआ करते थे इस पॉइंट के लिए वाई कोमा एक्स हो गए, है ना, इसके वाई कोमा एक्स होते ही वाई कोऑर्डिनेट एक्स बन गया, तो आप दुनिया को बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स डिवाइडेड बाई आर, एक्स बाई आर, और एक्स बाई आर पिछले वाले में क्या था कॉस थीटा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या बना कॉस थीटा, इसीलिए कॉस 90 माइनस थीटा बना साइन थीटा, याद आ गया। ये पिछली बार वाले का रीकैप है कि हाँ हमने क्या किया था, एक साथ में दो दो सर्कल को एक साथ में रख रख के देखते हैं कि पिछले वाले में यह था और चेंज करने के बाद ये। अच्छा इसके बाद में हम लोगों ने कौन सा रिडक्शन किया था, बी सी, सी क्या था 90 प्लस थीटा, याद है कर चुका या नहीं करा, ये नहीं करा, करेंगे अब, है ना, हाँ साहब 90 प्लस थीटा में रिडक्शन क्या करना है वो बताता हूं, सर्कल बनाया, ये लिया, ये लिया, ये एंगल लिया, इसकी वैल्यू थीटा रख दी, यहां पे इसका नाम एक्स कोमा वाई कर दिया, ये दूरी एक्स कर दी, ये दूरी वाई कर दी, है ना। अब थीटा के बाद में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बनाने के लिए इस थीटा में 90 जोड़ दूं, इस थीटा में 90 जोड़ दूं, थीटा में 90 ऐड होते ही ये ऐसा चला गया, ये 90 जुड़ गया, अब ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अब हम जितना भी गेम खेलेंगे 90 प्लस थीटा यहां से दिखने लग गया, 90 प्लस थीटा दिखते ही मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के बनने से मेरे को क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान होने वाला वो सोचूंगा। ये 90 प्लस थीटा होते ही ये 90 है, उम्मीद है हर बच्चे को पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर टू एंगल्स का सम होता है, तो इसका मतलब ये अगर 90 है तो ऊपर वाला, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, जबकि ऊपर वाला 90 प्लस थीटा, यहां तक तो कोई दर्दनाक बात तो नहीं। अच्छा अब जब हम लोग बात करते हैं थीटा की, तो उम्मीद है पता होगा ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, फिर से कर चुके हम लोग बार बार सिद्ध। अच्छा थीटा के सामने वाला y, तो ये वाला क्या हो गया y, और ये वाला क्या हो गया x, है ना भाई, लेकिन ये अगर याद हो तो y कोऑर्डिनेट जो इधर है ना,
पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। ये इस समय पे वाई जो है किसके सामने, किसके ऊपर चल रहा है, एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर? एक्स के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट बोलो बस आप। माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट कितना? वाई, याद है ना? अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो इसे गिनते ना अपन, है ना? तो ये तो कितना हो गया वाई कॉमा एक्स। अब आप सोचो साइन 90 प्लस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा, साइन में कुछ भी हो बराबर में वाई कोऑर्डिनेट बटा आर होता है। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना? एक्स। तो ये हो गया एक्स बटा आर, और एक्स बाई आर कौन था? कॉस थीटा, राइट है? तो इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन अब देखना असली खेल कॉस में चलेगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट बटा आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस वाई। तो माइनस का वाई बाई आर, जिसमें वाई बाई आर कितना है? साइन थीटा। तो ये कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। क्या आपको कहानी पकड़ में आई, है ना? तो साइन 90 प्लस थीटा तो हो गया कॉस थीटा, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। क्या ये वाली बात यहां तक कोई दर्दनाक तो नहीं रही? अच्छा, ये तो 90 प्लस थीटा का रिडक्शन। अब 90 प्लस थीटा के रिडक्शन के बाद में एक डायग्राम और दिमाग में लगाते हैं, मतलब अपन सारा तो नहीं करेंगे क्योंकि सारा करना तो बहुत ही पेचीदा हो जाए, लेकिन ये बेसिक चालू हो जाए आपका। क्या भाई कहानी ऐसे चला करती है? 90 प्लस थीटा में सर 90 आगे कर देते हैं। अब बात उठती है ना डी 180 माइनस थीटा, ट्राई करें भाई 180 माइनस थीटा। कितने लोग सोच जाएंगे कि 180 माइनस थीटा का डायग्राम सोचते हैं तो मिल करके, राइट भाई? 180 माइनस थीटा, ये अपना कौन है? थीटा। ये एक्स है और ये वाला वाई है, खटाखट खटाखट ये आर है, ठीक है ना भाई? और ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो गया। अच्छा 180 माइनस थीटा, इधर थीटा बना दूं ऐसा कैसा? तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, मानते हो ना ये बात? तो ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ये थीटा बना दिया तो थीटा एज इट इज अपने सामने चीजों को रखवाएगा। थीटा के सामने वाला वाई, ये वाला एक्स। अब की बार ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ? ये कितना? माइनस एक्स कॉमा वाई। शानदार बात, शानदार बात। तो कितने लोगों को समझ में आया साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर, तो उर्फ वाई बाय आर, और वाई बाय आर बोले तो साइन थीटा, जबकि कॉस 180 माइनस थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्रत्युष, है ना? कॉस इज इक्वल टू कितना हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो माइनस एक्स बटा आर, एक्स बाई आर होता है कॉस थीटा, तो कितना हो गया? माइनस कॉस थीटा, है ना? और टेन थीटा तो ऑब्वियस ही बात है, टेन थीटा इन दोनों का डिविडेशन होगा, तो टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस टेन थीटा। डिवाइड में माइनस आएगा क्योंकि डिवाइड में माइनस दिख रहा है। यहां तक आ रही है बात? तो 180 माइनस थीटा बचेगा, कर लेंगे ना, ठीक है? अच्छा, अब एक मिनट और, एक लास्ट। ये क्योंकि ऑलरेडी आप 90 माइनस थीटा तो कर चुके हो, इसलिए बस सिर्फ ये तो यूज में आ गया, है ना? ये रिडक्शन के अंदर अपने अगली बात रखते हैं, ठीक है? अगला रिडक्शन ई 180 प्लस थीटा, ठीक है? कैसे बनाऊं डायग्राम? क्वाड्रेंट तो थर्ड होगा, डायग्राम कैसे बनेगा? इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ये है थीटा, ये है वाई, ये है एक्स और ये है आर। क्या मुश्किल है क्या ये बात? ये कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई। हाँ, एक सेकंड, 180 प्लस थीटा किसके दिमाग में आया? बिल्कुल क्लास से एक शॉट दिया एक बच्चे ने, गुड। क्या आपको समझ में आया? एक ही बारी में। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 प्लस थीटा, सुपर्ब 180 प्लस थीटा। अब बताओ ट्रायंगल किधर टोकू, इधर टोकू कि उधर टोकू? ऑब्वियसली गुड 180 प्लस थीटा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये एंगल थीटा? अरे ना, कौन से वाले? वर्टिकल अपोजिट, गुड है। थीटा के सामने वाला वाई, ये वाला एक्स और ये वाला आर। अरे वो तो यहां होगा ना, वो तो यहां होगा ना, सही ना? माइनस एक्स होगा, सही है? अच्छा, एक लास्ट और बता दो, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस वाई कोऑर्डिनेट बटा आर, वाई कोऑर्डिनेट बटा आर, वो ऑटोमेटिकली वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई, मेरे घर तो थोड़ी लग रहा है। वाई बाय आर कितना? माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। वाई बाई आर साइन थीटा, भूलना नहीं है, वाई बाई आर साइन थीटा, ठीक है? अच्छा, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर और माइनस कॉस थीटा। अब जल्दी से बता दो, टेन 180 प्लस थीटा कितना? टेन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। कॉपी, आगे चलेंगे और फिर इसको नमस्कार करके निकल लेंगे। लेकिन आप मेरा ज्यादा ख्याल है शायद
फिर भी आसपास में देखना कि ये रिडक्शन कितनी जगह पे करवाया गया है, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत जरूरी है ये बात को समझना कि रिडक्शन का खेल कैसे चालू हुआ था, ठीक है। कॉपी होते फटाफट, ये रिडक्शन अपनी जगह पे, लेकिन बेसिक है ना, रिडक्शन से नहीं, बेसिक कहानी चलेगी जिंदगी भर जो हम जिएंगे ना, वाकई में सही मेथड नो डाउट ये है, लेकिन याद रखने के लिए ये वाला मेथड यूज में नहीं लेते, याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए वाला मेथड यूज में लेते हैं। इस एक्सेस को आप सभी लोग कर मारते, इधर देखो ना, ये वाला एक्सेस एक्स एक्सेस और ये वाला वाई एक्सेस। अब ध्यान से समझना, यहां जीरो चालू होता है, ये पाई बाय टू ऊपर आ गए, जीरो पाई बाय टू, और ये टू पाई बाय टू, टू पाई बाय टू बोले तो पाई, ये थ्री पाई बाय टू, ये अरे पाई बाय टू और आ गए फोर पाई बाय टू, फोर पाई बाय टू माने टू पाई, ये बोलो ना, अरे ये अगर पाई बाय टू है, भूल गए, आपने ध्यान ही दिया, इधर उधर देखो कहां से याद आएगा, जीरो पाई बाय टू, थ्री टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फोर पाई बाय टू, अब ये हाँ तो वही तो सुनना चाह रहा हूं, कितना पाई पाई बाय टू, ये सिक्स पाई बाय टू, सिक्स पाई बाय टू बोले तो थ्री पाई, ये सेवन पाई बाय टू, ये एट पाई बाय टू, एट पाई बाय टू बोले तो फोर पाई, ये नाइन पाई बाय टू, आप वहां पे वो फोर पाई बोलते वहां से आप मिस करता था, एट पाई बाय टू, एट पाई बाय टू, नाइन पाई बाय टू, अब ये टेन पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू है ना, फाइव पाई, ये बस इलेवन पाई बाय टू है ना भाई, आगे से मेरे को मतलब नहीं, अब मेरे को यहां आपको ये बात सुनना नहीं, बहुत ध्यान से समझना, पहले आपने ये सिस्टम समझ लिया, ए एस टी सी आपके दिमाग में क्लियर है ना, अच्छा अब काम की बात सुने, ये लाइन पे जब भी आप चलेंगे नो चेंज, अब ये चेंज क्या है वो बाद में बताऊंगा, है ना, इस लाइन पे जब भी आप खड़े होंगे चेंज होगा, राइट है, फंडामेंटल याद रखने का ये है, वो समझने का है, ये याद रखने का, हर बार हम सारे क्वेश्चन यहां से करेंगे, ठीक है, ये गरीब बच्चे का मेथड है और यही बेस्ट मेथड है, इसी से सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, दिमाग में भी इसी से बैठाते हैं, वो सिर्फ समझने का है, वो बैठाने का नहीं है, इसको सीखो आप। चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब खुले नहीं है, चेंज का मतलब होता है साइन थीटा को बदलना कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को बदलना साइन थीटा में, ठीक है, कॉट थीटा को बदलना टेन थीटा में, और टेन थीटा को बदलना कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा को बदलना सेक थीटा में, और सेक थीटा को बदलना कॉसेक थीटा में, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, चेंज माने ये होता है पहले तो, राइट है। अब दूसरी बात सीखना, ये वो लोग हैं, ये तो सब क्लियर ही है, ये सारे इवन पाई है, दिख रहा है आपको, देखो मैं एक बार बताऊंगा, मैं अगर आगे चला गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहां से आपका चैप्टर का कल्याण खत्म है, बिल्कुल खत्म 100%, जिसने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पांच दिन गुटली मारी, गारंटी है, गारंटी उसको नहीं आएगा, फिर वो कितना भी रहता डोले, लेकिन लास्ट में रहता उस पर डोलेगा, वो सिर्फ दो साल तक रहता डोल सकता है, दो साल के बाद में जिस दिन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है सारा रायता वो खुद ही पीता है, इसीलिए बता रहा हूं शुरू के पांच दिन बहुत कंसर्न होके खेलना, प्लीज कंसर्न होके खेलना, ठीक है ना। हाँ देखो ये सारे इवन भाई है, ये ऑड भाई है, इवन भाई ऑड भाई क्लियर है, यहां पर लफड़ा पड़ता है, ये पाई बाय टू है दोनों तरफ, लेकिन कैसे पाई बाय टू उनमें ध्यान देना, ये वो लोग हैं जैसे सात की बात करता हूं, सात में चार का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, एक बार, कितने बच गए, तीन, रिमाइंडर कितना है तीन, ग्यारह में भाग लगाओ चार का, दो बार गया तीन बचा, माने ये वो लोग हैं जिनमें चार का भाग लगने पे तीन बचता है, अब जरा ऊपर वाले नौ में लगाओ कितना बचेगा, एक, पांच में लगाओ एक, माने ये वो लोग हैं जिनमें चार का डिवाइड लगने पे एक बचता है, जिनमें चार का डिवाइड लगे एक बचे उन्हें कहते हैं फोर एन प्लस वन, फोर टाइम्स डिवाइड और बचा हुआ प्लस वन माने रिमाइंडर, तो ये वो लोग हैं जिनमें चार का भाग लगने पे एक बचता है फोर एन प्लस वन पाई बाय टू, ये वो लोग हैं जिनमें चार का डिवाइड लगने पर तीन बचता है, तो इसे बोलूंगा फोर एन प्लस थ्री पाई बाय टू, बात समझ में आई, बस अब मेरी लास्ट लाइन पुट कर रहा हूं, ये चीज सिखा नहीं रहा, पूरा नहीं सिखा रहा, क्यों, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में नहीं सिखा जाता, लेकिन फिर भी सिखा के जा रहा हूं, है ना। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन में आया साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, कितना आया थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, डायरेक्ट चार का भाग लगा जीरो बार, बचा कितना तीन, तीन बचते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा थ्री पाई बाय टू कहां मिलेगा, इस लाइन पे नीचे मिलेगा ना यहां, अरे थ्री पाई बाय टू ये रहा देखो, हाँ ना थ्री पाई बाय टू यहां खड़ा है, माइनस थीटा करते ही थीटा कम करोगे
तो थीटा कम करने के लिए पीछे जाओगे या आगे जाओगे? पीछे। कौन सा क्वाड्रेंट लगा? थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 वो लाइन है जिसपे क्या लिखा, चेंज या नो चेंज? चेंज। तो पहला काम आप करोगे, साइन को किसमें बदल दोगे? कॉस थीटा में, ठीक है। और क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए माइनस थीटा करते ही, थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। याद है ना, साइन कहां कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट में और सेकंड में, राइट है। तो थर्ड में साइन नेगेटिव है, इसलिए यहां पे कौन उतरा? माइनस। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ आज के दिन बता रहा हूं, सिखा नहीं रहा हूं। सिखाऊंगा मैं इसको कल के दिन और ज्यादा एग्जांपल्स के साथ, लेकिन मैं इतना भी नहीं कि इतनी दूर तक आगे वेस्ट जाऊंगा। अगर मान लो लिखा होता 10 है ना, 39π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो 4 का भाग लगा था, 4 का भाग लगता 36, बच्चा कितना? 3 लगते ही कहां गया? ऊपर या नीचे? नीचे। अगर नीचे खड़ा हूं तो माइनस थीटा करते ही पीछे, है ना। पहली बात, इस लाइन पर, इस लाइन पर चेंज या नो चेंज? चेंज। तो 10 का क्या बन जाएगा? कॉट। क्या आपको कहानी पकड़ मारी है? कॉट थीटा। यहां तक की बात पकड़ मारी? कॉट थीटा। और दूसरी बात, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, थर्ड में 10 की खुद की गवर्नमेंट, इसलिए प्लस का। सही है भाई?